आर वी लाइव? यस हाँ, नमस्कार। सहर टॉकीज के शो गपास्टिक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच रश्मि सिन्हा जी मौजूद हैं बातचीत के लिए हमारे गेस्ट के तौर पे, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे साथ श्रीकांत किशोर हैं और उनसे बात करने के लिए। तो गपास्टिक की जो अवधारणा थी जब हमने इसको शुरू किया था, तो इंटरव्यू की शैली में इसको नहीं रखना था हमें। हमने इसको इंटरेक्शन का नाम दिया था, कन्वर्सेशन का नाम दिया था, कि दो समान स्तर के लोग आके एक साथ कन्वर्स करें, आपस में बात करें, उससे नई चीजें निकल के आए, इंटरेक्ट करें, उससे नई बातें पता चलती है, बहुत अच्छी चीजें निकल के आती हैं। क्योंकि जब एक समान स्तर के लोग मिलते हैं तो उनकी बातचीत का असर ही कुछ और होता है। तो ये कोशिश हमारी लगातार बनी हुई थी, और आज मैं देख रहा हूँ कि ये सबसे सफल रूप में आज हमारी बातचीत होगी, जब एक साथ काम करने वाले दो लोग लगभग एक ही समय में आपस में बात करेंगे, तो शायद गपास्टी का मजा आज ज्यादा आने वाला है। इसके पहले रश्मि सिन्हा जी के बारे में थोड़ी बात कर लूं मैं। जब मेरी पैदाइश हुई थी, उसके आसपास जो है रश्मि जी जो है पटना रंगमंच में आई थी। मैं अपना एज नहीं बता रहा हूँ तो जब मेरी पैदाइश हुई थी, लगभग उसी के आसपास जो है रश्मि जी ने पटना स्टेज को ज्वाइन किया था, और किसी एक फूल का नाम लो नाटक है, कला संगम का चर्चित नाटक है, जिसका निर्देशन सतीश आनंद जी ने किया था, और उनमें शायद भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। तो उस नाटक से इनकी शुरुआत हुई, पटना रंगमंच में आगमन हुआ, और बाद में लंबे समय तक ये इप्टा पटना के साथ जुड़ी रही, और तनवीर अख्तर और परवेज अख्तर के निर्देशन में इन्होंने कई सारे नाटक किए। लगभग 1986 तक ये पटना में रही, काफी सारे नाटक किए, और जिसमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ कुछ नाटकों का, तो उसमें माधवी है, महाभोज है, उस दौर के नाटक सप्तहरिश्चंद्र हैं, अस्पाटाकस है, मदर है, सदगति है, ईदगाह है, अब गरीबी हटाओ है, औरत है, ऐसे बहुत सारे नाटक जो है रश्मि जी ने पटना रंगमंच पे किए हैं। हमारे पूरे हिंदी वेल्ट के रंगकर्म की, जिसपे मेरा एक आर्टिकल भी है, भारतीय हिंदी रंगकर्म में महिलाएं, ऐसा कुछ करके, एक बड़ी नियत दुर्गति रही है एक तरीके से, कि जो अच्छे लोग भी हमारे पटना रंगमंच में या दुनिया हिंदी रंगमंच में आते हैं, और खासकर अगर वो फीमेल हैं, तो उनका कैरियर 5 से 8 साल का होता है, और उसके बाद वो थिएटर से विराम, उनका अल्प विराम, पूर्ण विराम, आप जो कहें, वो विराम आता ही आता है उनके जीवन में। और उसका उसका एक बहुत ही ऐसा एक पक्ष है भारतीय, मतलब हिंदी रंगकर्म का खासकर, कि हमें बहुत ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है। क्योंकि एक आदमी जब 5-8 साल में तैयार होता है, और एज अभिनेता अपनी पहचान वो दर्ज कर चुका होता है, और अच्छा काम करने को तैयार होता है, तब वो स्टेज को छोड़ के चला जाता है। और ये कमी जो है प्रोफेशनल रंगमंच हिंदी में क्यों नहीं विकसित हो पाया, इसकी एक बड़ी वजह, उसकी पृष्ठभूमि यही है कि महिला रंगकर्म का करियर जो है 5 से 8 साल, और पुरुषों का 8 से 10 साल, उसके बाद वो थिएटर से निकल जाते हैं, अपने अपने करियर में हम लोग कहीं कुछ और करने लग जाते हैं। तो ये रश्मि जी के साथ भी रहा, और पटना रंगकर्म का दुर्भाग्य कि उन्हें पटना से बाहर जाना पड़ा, दिल्ली गई वो। वहाँ वो एक्ट वन के साथ थोड़े समय के लिए जुड़ी, 3 साल लगभग काम किया, लेकिन फिर उनको एक विराम लेना पड़ा, और 2016 के बाद फिर से वो एक्टिव हुई है, रंगमंच पे इनकी वापसी हुई है। खैर, रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पटना के उन दिनों को याद करने के लिए यहाँ बैठे हैं, जिसके बारे में सुनते हुए हमारा पटना का रंगकर्म आगे बढ़ा था, कि ये चीजें थी, ऐसा होता था, तब तो ऐसा होता था। क्योंकि हमारे थिएटर में ये आदत है कि, या फिर जीवन में भी, हम अपने काल को, जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, हमारा टाइम तो गोल्डन पीरियड था हमारे स्कूल का, हमारा टाइम तो गोल्डन पीरियड था हमारे कॉलेज का, उसके बाद तो कॉलेज बर्बाद हो गया। तो हमने यही सुना कि पटना का रंगमंच का गोल्डन पीरियड तो भैया 80 से 90 तक था, 95 तक, उसके बाद पटना रंगमंच जो है धीरे धीरे क्षरण की ओर आता गया। तो हम उस उन मेमोरीज को जीने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या था भाई, 1975 से लेके 2000 के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसे हम कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था पटना रंगमंच का। तो वो समझने के लिए हम आपसे जुड़े हैं, आपसे बात करेंगे श्रीकांत भैया, जो आप ही के साथ लगातार काम करते रहे पटना इप्टा में, और उनके साथ है एक अलग से सेशन हम कर चुके हैं एज ए गेस्ट, तो उनका परिचय मैं फिर से नहीं दे रहा हूँ। श्रीकांत भैया, मंच अब आपके हवाले है। थैंक यू मृत्युंजय। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमसे अब तक जो साथी जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को नमस्कार कहता हूँ, और उन सब के सामने इस एक बात को बहुत पुरजोर तरीके से पेश करना चाहता हूँ कि मृत्युंजय प्रभाकर का ये जो आइडिया है, ये जो प्लेटफॉर्म है, शहर का प्लेटफॉर्म, और इसमें पटना रंगमंच पर बातचीत का जो ये डिज़ाइन है,
इस डिजाइन की जितनी तारीफ की जाए कम है। खास तौर पर मैं इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा जोर के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि थिएटर का डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थिएटर का डॉक्यूमेंटेशन कोई प्ले का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक प्ले का डॉक्यूमेंटेशन फिर भी तुलनात्मक रूप से आसान है, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो थिएटर का डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सैकड़ों अभिनेता अभिनेत्रियों और नेपथ्य कर्मियों और निर्देशक और लेखकों का अपने तौर पर, व्यक्ति के तौर पर खड़ा होना और उन सब के सामूहिक रूप से भागीदारी में एक थिएटर का एक कलात्मक अनुभूति को बार बार रचना, इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मृत्युंजय ने जो डिजाइन चुना है, उस डिजाइन की सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लाइव डॉक्यूमेंटेशन है। अब एक अभिनेता या अभिनेत्री या निर्देशक आपके सामने बैठा हो और अगर आप उस व्यक्ति के काम के साथ बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, आप जानते हैं उसके गुण को, आप जानते हैं उसकी अगर एक आध कमियां हो तो उनको भी, तो अगर आप इन सारी चीजों को जानते हैं और तब उसके बाद उसकी चर्चा के क्रम में एक लाइव डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैं मृत्युंजय का खास तौर पर एक और बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे उन्होंने वो सेशन होस्ट करने का मौका दिया है जिसे होस्ट करना निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती है। मैं कभी भी ये चाहूंगा कि रश्मि सिन्हा से बातचीत करने का मुझे ये अवसर मिले और इसके लिए खास तौर पर फिर से सहर को धन्यवाद। रश्मि दी, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी और श्रीकांत, आप दोनों ने मुझे यहाँ अवसर दिया आने का और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का। और मैं फिर से बात बढ़ाऊं तो मैं 80 के दशक के रंगमंच पर ही बात करूंगा, लेकिन उस बात को सामने लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस व्यक्ति को सामने पेश करना जिस व्यक्ति का नाम है रश्मि सिन्हा। 20वीं सदी के 8वें दशक के पटना के रंगमंच की अगर बात करें तो किसी को इस बात से इनकार नहीं होगा कि इस एपिसोड के सबसे प्रमुख किरदारों में से एक हैं रश्मि सिन्हा। हालांकि हम लोगों ने अभी इसी प्लेटफॉर्म पर पिछले सेशंस में माया सिन्हा को सुना है, कला संगम के मंच पर बहुत सारी महिला अभिनेत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ये समय है 80 का दशक जब लगभग ये सारी अभिनेत्रियां बाहर हो चुकी हैं और ये समय है जबकि अगर अभिनेत्रियों की बात करें तो निर्देशक नई अभिनेत्रियों नई संभावनाओं की तलाश में लगे हैं और इस दौर में संभवतः सबसे अधिक प्रतिभाशाली सबसे अधिक संभावनाओं से पूर्ण अभिनेत्री के तौर पर रश्मि सिन्हा मंच पर सामने आती हैं और रश्मि सिन्हा ने जो काम किया है उसकी बात हम लोग अब करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले उसकी शुरुआत करूंगा कि ये रश्मि जिसने उस एक रोज तय किया कि नहीं मुझे थिएटर करना है, मुझे कला संगम में जाना है या मुझे थिएटर ही करना है, ये रश्मि कौन है? इस रश्मि को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि उसे थिएटर ही करना है? देखिए, जब आप पूछते हैं वो रश्मि कौन है या कौन थी, तो एक आम लड़की थी जिसके मन में, जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे जुगनू और जैसे बड़े सारे सपने, बहुत कुछ करेंगे, ये सारी लालसा थी। और एक आम लड़की की जो होती है उस तरह से मेरे अंदर भी सारी इच्छाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अचानक एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे कला संगम ज्वाइन करना है या नाटक करना, ऐसा नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगी कि जो बचपन में जैसे 12-13-11 ये सब साल की उम्र में लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं, तो मेरा सबसे फेवरेट गेम होता था कि मैं कहानी की किताब उठा लेती थी, चंपक, चंदा मामा, जो भी किताबें होती थी,
और उसमें जो भी जो टेक्स्ट होता, तो जो कहानियों में होता है कि दो तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो मैं एक कैरेक्टर अपना चुन लेती थी, वो मैं बोलती थी, और फिर दूसरा किसी को रिक्वेस्ट करती थी कि दूसरा तुम पढ़ दो, कोई नहीं मिलता था तो मैं दोनों पढ़ती पढ़ती होती थी। तो इस तरह से कुछ था कि मतलब ये मेरा एक खेल था, ये शौक था। और इस तरह से करते हुए फिर स्कूल में भी डेफिनेटली, फिर जो स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते थे उस समय मैं पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन एक बड़ा विचित्र सा खेल था जो मैं बड़ा शौक से करती थी। फिर मैं जब 9-10 तक पहुंची तो मैंने अपनी सहेलियों से कहना शुरू किया कि इंडिया में देखो थिएटर का कुछ फ्यूचर नहीं है, अगर रहता तो मैं थिएटर एक्ट्रेस बनती। तो ये दिल में हमेशा ही इच्छा थी, लेकिन ये था कि नहीं मुझे बनना नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, करियर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था कि पटना में कुछ थिएटर का कोई स्कोप भी है, यानी क्योंकि मैं पटना में रहती थी। फिर मैंने 1978 में करना शुरू किया प्ले, जब मैं 16 साल मेरी उम्र थी। 1977 में मैंने देखा अखबारों में एडवर्टीजमेंट आ रहे थे, एक नाटक हुआ था बल्लभपुर की रूप का था, और बड़े सारे लोगों से सुनती थी कमाल का नाटक है, क्या है, कला संगम, सतीश आनंद, ये सब नाम सुनती थी। तो ये सब ना उन दिनों कोई ज्यादा एंटरटेनमेंट के साधन तो होते नहीं थे, सिनेमा होता था, उसके बाद ये एक कला संगम का ये नाटक, मैंने इसी नाटक का सुना था, उसके पहले और कुछ नहीं सुना। तो मेरे दिमाग में थी कि ये भी मतलब कि पटना में कोई है ऐसी जगह, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं सोचा था कि मैं ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ऊंची चीज लगती थी कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, और मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती थी घर में कि मेरी ये इच्छा है कि जाऊं। फिर ऐसा चांस हुआ, हमारे घर में हमारे कोई एक परिचित है, उनके पिताजी आए, और किसी तरह से बात होते हुए उन्हें पता चला होगा, पूछा होगा उन्होंने मुझसे क्या शौक है, तो मैंने कहा मैं स्कूल में एक्टिंग करती थी, उस समय मैं 11वीं क्लास में थी। तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि कला संगम में एक हीरोइन की खोज हो रही है, वो किसी एक फूल का नाम लो नाम नाम का नाटक है, और उसके लिए हीरोइन की खोज हो रही है। तो मेरी आंखें चमक गई, मतलब मैं क्या कोशिश कर सकती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि मैं उसमें जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि देखो 37 साल की औरत का रोल है, ये तो डायरेक्टर बताएगा कि तुम उसमें सुटेबल हो या नहीं, लेकिन पहले तुम्हारे घर से तो परमिशन मिले। तो मैंने फिर अपने माता ये पिताजी दोनों से बड़ा रिक्वेस्ट शुरू किया कि ऐसे ऐसे प्ले है, मुझे एक नाटक में करने का मौका दो। तो एक बार तो झटके में उनके लिए बहुत ही मतलब तो मेरी माँ के लिए तो अचानक सुनने वाली बात थी कि स्कूल कॉलेज में कर रहे हो तो ठीक है, स्कूल कॉलेज चल रहा है, आप सीधे बाहर जाकर नाटक करने की, जो एक तरह से प्रोफेशनल लेवल कही है, एमेच्योर लोग ग्रुप कहते हैं, बट प्रोफेशनली लेवल था उसका, इतने लोग देखते थे, इतनी चर्चा होती थी। तो पहले तो हो गया नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। फिर मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया मुझे एक नाटक का परमिशन दो। फिर मेरे लाइफ में बहुत सारे क्रिटिकल मोमेंट्स थे जिसमें हमारे मामा प्रभाकर सिन्हा, इनका बड़ा खास रोल रहा। हमारे मामा उन दिनों वहां आए या उनसे सजेशन लिया गया, क्लोज डोर मीटिंग्स हुई 2-3 दिनों तक, फिर शायद इन्होंने डिस्कस किया होगा कि ठीक है भाई कुछ गलत बात तो कह नहीं रही है, अब ये सोसाइटी में कोई नहीं कर रहा है और ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये तो बंदिशें हम खुद ही बनाते हैं, तो क्यों नहीं इसको मौका दिया जाए। तो फाइनली 2-3 दिनों के बाद मुझे ये मौका दिया गया कि ठीक है तुम कर सकती हो। तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर जो हमारे जो आए हुए थे जानकार, उनके साथ मैंने कहा कि मुझे लेके चलिए, सतीश आनंद जी से भेंट कराइए, साड़ी वगैरह पहन के गए क्योंकि बहुत मिच्योर्ड लेडी का रोल था। समहाउ मुझे वो रोल मिल गया, वो क्यों मिला नहीं जानती हूँ, या शायद मैंने थोड़ी ठीक एक्टिंग की, या बाकी लड़कियों की इतनी कमी थी, मुझे वो रोल मिल गया। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। बहुत बहुत अच्छा बयान था, बहुत शानदार बयान आपने ये किया। हम जानते हैं कि दो चीज का फायदा आपको अपने घर में मिला, एक तो बहुत कंसिडरेट पेरेंट्स, और उसके साथ साथ अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हायर मिडिल क्लास का बैकग्राउंड, जहां पर फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा फ्रीडम है, थोड़ा थोड़ा एडवेंचर का फ्रीडम है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि आपको अपने परिवार के भीतर ही एक खास इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड का भी सहारा मिला, जी। जहाँ पे लिटरेचर या फिलोसफी या हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए आपके मामा या आपके दूसरे रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके पिताजी जो कि थिएटर के साथ सक्रिय, आपकी माँ थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगी। लेकिन इसके बाद भी मैं इस बात को जानता हूँ कि पटना शहर में किसी एक लड़की के लिए थिएटर करते हुए बाहर, घर के अंदर की बात तो हुई, घर के अंदर और कहीं उससे कहीं कहीं ज़्यादा घर के बाहर जो चैलेंजेस हो सकती हैं,
जो चुनौतियां आपको झेलनी पड़ती हैं, जो रास्ते में, सड़क पर, या इवन थिएटर के परसुइट के दौरान, ग्रुप के भीतर, उस तरह की चुनौतियों की थोड़ी बात मैं सुनना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग थिएटर पर चलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। श्रीकांत, जो चुनौतियों की आप बात करते हैं, तो तीन लेवल पे मुझे चुनौतियां देखनी पड़ी, तीन तीन लेवल के या तीन सेक्शन में। एक तो था जो परिवार के अंदर था, वो तो कुछ दिनों की बस बात थी, चलो हुआ कि एक नाटक में काम करने का परमिशन मिला। अब उस एक नाटक में ही जिस तरह से रिकग्निशन हुई, जो भी लोगों के रेस्पॉन्स थे, तो परिवार के अंदर से वो रेजिस्टेंस था, वो एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन मुझे तो अड़ोसियों पड़ोसियों और इन सब के तो थोड़े बहुत चलते ही रहते थे, वो तो किसी भी किसी लेवल पे चलता ही रहता है, तो वो तो थोड़ा बहुत चलता है। जो किसी भी आम लड़की भी कोई भी थोड़ा अलग करे, तो उन दिनों वो लोग बोलते ही थे। अब मैं तो नाटक करना शुरू की थी, रात में 9 बजे घर जाती थी, 10 बजे जाती थी, शो के टाइम में 12 भी बज जाते थे, तो वो एक बात थी। दूसरा जो मुझे बहुत भयानक लेवल का मुझे झेलना पड़ा, जो आम तौर पर एक्ट्रेसेस को नहीं झेलना पड़ता होगा, वो था मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं कि मेरे मेरे फादर की हमेशा इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। अब मैंने तो 11वीं क्लास में कह दिया कि मैं थिएटर करूंगी, चलो परमिशन मिल गया, मैंने एक नाटक किया। फिर 79 के एंड में मेरा ISC का एग्जाम हो गया था, तो मुझे बुलाया गया, कला संगम में मीटिंग हो रही थी, मैं गई। जब मैं फिर जा रही थी तो माँ को लगा कि भाई अब दोबारा कहीं कोई नाटक की बात तो नहीं होगी, तो मेरे भाई को साथ भेज दिया। और वहां गए तो वहां आधे अधूरे का मुझे स्क्रिप्ट दिया सतीश जी ने कि बड़ी बहन का रोल तुम करोगी। मैं बड़ी खुश होकर आई कि चलो अभी अभी एग्जाम भी नहीं है तो मैं ये दूसरा रोल करूंगी। घर आई तो जब घर में पता चला तो खैर मना हो गया कि नहीं करना है, अभी तुम्हें भी इंजीनियरिंग में जाना है। तो मेरे मेरे को एकदम फिक्स ये कह दिया है कि इंजीनियरिंग में जाना है, उसके बाद जो बातें होंगी वो होंगी। तो मेरा एडमिशन भी हो गया इंजीनियरिंग में अगले कुछ महीनों में। उसके बाद जो वहां की प्रॉब्लम थी वो तो बड़ी भयानक थी। पहले तो था कि मैं नाटक करती थी, देर से आती थी रिहर्सल में, जो क्योंकि नाटक मैंने बहुत साल किया, 78 से 86, 8 सालों तक बहुत, तो वो तो परिवार जो नेबर्स का होता था कि भाई आप लड़की को नाटक करने देते हो, आपको लड़के नहीं मिलेंगे अच्छे। और फिर इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू कर दिया तो था कि भाई लड़के नहीं मिलेंगे, आप इतनी मत छूट दो। जो टिपिकल माँ बाप के, जो मेरे ख्याल से जो रोकने के पीछे जो मेजर एक रीजन हो, यही कहते हैं लड़के कहाँ मिलेंगे, जो भी हो। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तब तक तो एस्टैब्लिश हो चुका था, 1980 में लिया मैंने, 78 से मैं कर रही थी, तो 2 सालों में कई सारे शोज हो चुके थे, तो एस्टैब्लिश हो चुका था कि मैं एक थिएटर एक्ट्रेस हूँ। कला संगम बहुत ही अच्छी संस्था थी, तो ये एस्टैब्लिश हो चुका था। तो जब मैं वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, पहले ही पता, अच्छा मुझसे पहले सिर्फ 2 लड़कियां थी सीनियर, तो ये भी नहीं था कि बहुत सारी लड़कियां, तो बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड वहां का जो कंडीशन था लड़कों का। और हमारे बैच में हम 8 लड़कियां गए, तो अब जो मेन जो उनका जो ये था कि ठीक है ओके आओ आ जाओ, अपना सर झुका के लाओ, सर झुका कर जाओ। हम मतलब जो टिपिकल होता है कि हम इतनी परमिशन देते हैं, अचानक वहां बात फैली कि भाई हमारे यहाँ तो कोई एक एक्ट्रेस आ रही है, तो थोड़ी सी तो रिजेंटमेंट हुई होगी, थोड़ा बज वर्ड। जब मैं गई तो सब मेरे अपने बैच के लोगों से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो सीनियर थे, जो सो कॉल्ड, उनको लगता था कि हमारे यहाँ कोई हमारी जूनियर लड़की अपनी कोई शख्सियत कैसे पैदा करने की कोशिश कर सकती है, वो जो एक जो एरोगेंस था। तो शुरू में 3-4 महीने तो सबके यही होते रहते थे कि नाटक करी हो, क्या करी हो, ये सब होता था। और एडमिशन के 3-4 महीने मैंने कुछ नहीं भी की, क्योंकि उस माहौल में मैं एडजस्ट हो रही थी। इसके बाद अचानक एक चांस गई, और इन दिनों में ही जो नाटक के तौर पे था कि कला संगम से कुछ हमारे साथी निकल के इप्टा ज्वाइन कर चुके थे, 1980 में इप्टा की शुरुआत हो चुकी थी, इप्टा में आ चुके थे। और मैं इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, 3-4 महीने हुए, तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है प्रोफेसर संतोष कुमार, बहुत ही कमाल के प्रोफेसर, तो बहुत अच्छे थे ही लेकिन कमाल के इंसान है वो। उनको बहुत आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट था, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि तुम थिएटर करती रही हो। मैंने कहा जी करती किया है, अभी नहीं करी, उनके किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, उसका नाम सर्जना होगा रहेगा, और हम एक प्ले करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम उसमें हीरोइन का रोल करो।
तो अब मेरे लिए तो इससे खुशी की क्या बात होगी कि अब पेरेंट्स को तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हुई, जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ही अपना ग्रुप शुरू कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोफेशनल ग्रुप, और उसमें मुझे मौका मिला, मैं फटाफट तैयार हो गई, पेरेंट्स की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन का सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि वो इप्टा के जो काफी साथी हैं वो रहेंगे, इसमें डायरेक्शन भी देंगे, ये सब बातें हुई। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जब ये हमारी रिहर्सल ये सब जो शुरू हुआ, शो हुआ, तो एक तरह से बॉम्ब सा फट गया कि भाई ये लड़की तो अभी एक्ट्रेस थी, कुछ समय तक नहीं किया प्ले, ये ठीक था, लेकिन अब ये इस तरह से प्ले करने लगे तो ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। फिर सीनियर्स के तो धमकी वाले मेरे पास आके धमकाना शुरू किया, लोगों के खबर आने शुरू हुई कि तुम नाटक करना छोड़ो किडनैप हो जाओगी, मतलब ये सब तरह की धमकी आनी शुरू हुई। और मैंने सर्जना में नाटक किया और इमीडिएटली उसके बाद इप्टा ज्वाइन कर लिया, हम साथ साथ के साथ ही कला संगम से निकल के इप्टा में गए थे और इप्टा के ज्यादातर साथी थे जो सर्जना में कल जो नाटक किया, तो मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया, मैं वहां नाटकों में व्यस्त हो गई। और ये कॉलेज में अक्सर मुझे इस तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गई, मतलब रेजिस्टेंस ये नहीं कि कुछ फुसफुस फुसफुस कर रही थी, स्ट्रेट अवे धमकियां कि भाई तुम किडनैप हो जाओगी, छोड़ो। खैर मैंने नहीं छोड़ा। इसके मेरे मुझे एडमिशन लिए करीब 1.25 साल हो गए होंगे, मैं सेकेंड ईयर में गई, पता नहीं क्या इंसिडेंट से याद नहीं, मैं तो कंटिन्यूस प्ले कर ही रही थी। एक दिन मैं कॉलेज में घुसी तो देखा कि पुलिस खड़ी है, बहुत सारी पुलिस खड़ी है। खैर मुझे अंदर जाने का, हम सब धीरे धीरे अंदर गए, फिर तो मतलब ऐसी शॉकिंग बात देखी कि कॉलेज के हर दीवार पे, क्लासरूम के हर दीवार पे, हर वॉल पे गेरुआ रंग से गंदी गंदी गालियां मेरे नाम पे लिखी हुई है। कोई कोई भी दीवार नहीं छोड़ा था जहां पे मेरे नाम के लिए गंदी गालियां ना लिखी गई, क्लासरूम्स हो, कॉरिडोर, सीढ़ी, हर जगह बिल्कुल शॉकिंग स्टेटस हो गया। मेरी उम्र उस समय 19-20 साल रही होगी, बिल्कुल शॉकिंग स्टेटस की ये क्या हो गया। सेकेंड ईयर में मैं गई ही थी और मैं तो पहले तो कांपने लगी, फिर बैठी, फिर हिम्मत जुटा के बैठी और देख रही हूँ कि लोग आ रहे हैं, पूरे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, हंगामा फैल गया होगा कि भाई कुछ ऐसा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, फिर गेट बंद कर दिया गया, फिर लोग आए, वो ये प्रिंसिपल आ रहे हैं, वाइस VC आ रहे हैं, सब एक दो थे। और मेरी तो आप समझिए कि मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या हो गया, एक बहुत छोटी लड़की के साथ बहुत बड़ा रिवेंज लिया जो हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने, ऑफ कोर्स मेरे क्लासमेट्स ने, सीनियर ने। मैं घर गई, मैं बिल्कुल कांपती हुई शाम में घर गई, मैंने अपने फादर से कहा कि मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैंने 1.25 साल किया, किडनैप हो जाओगे, क्या क्या चरित्र की बातें करते होते, लेकिन अब जो किया मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक तो कॉलेज की बस जो हमारे एरिया में आती है तो उस बस में गालियां लिखी हुई है एड्रेस और फोन नंबर देते हुए। तो मैंने फिर कहा अपने पिताजी से कि मैं नहीं जाऊंगी इंजीनियरिंग, मुझे नई पढ़ाई करनी है। फिर मेरे माँ और पापा जनरल तो होते तो यही कहते कि हाँ भाई अब लड़की को बचा के रखो, बट मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें तो कल ही जाना है कॉलेज। मैंने कहा कम से कम मैं 2-4 दिन तो नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं तुम कल सुबह जाओगी, 9:30 जितने बजे कॉलेज होता था, तुम बिल्कुल टाइम पर पहुंचोगी और बाहर पार्क में बैठोगी, सारे दिन तुम हंसोगी, तुम्हारे फेस पे कोई दुख के साइन नहीं आने चाहिए, उनके कुछ हुआ है तुम्हें ये एहसास ही नहीं कर होने देना किसी को, तुम ये करोगे। और मेरे पिताजी तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मतलब जो हिम्मत दी वो हिम्मत सारी जिंदगी रह गई कि कभी भी मुश्किलों में भागो नहीं। मैं गई, अब कॉलेज जब मैं पहुंची तो पहले तो जो जिन लोगों ने भी किया था उन्हें लगा हुआ कि अब ये लड़की अब तो नहीं आएगी कम से कम। अगले दिन जब मैं पहुंच गई फिर उनका रिएक्शन दूसरी तरह से निकलना शुरू हुआ कि कोई भी लड़का इससे बात नहीं करेगा, धमकी देना, टीचर्स को धमकी देना कि कोई भी बात नहीं करेगा। तो ये सब चीजें चली करीब 1.5 साल तक। ये जो वही मैंने कहा कि जनरल लोगों के इस लाइफ में इस तरह के नहीं आएंगे, जनरल होगा जो कोई ये करा वो करा। फिर तो 1.5-2 साल होते होते तो मैं खुद सीनियर हो गई, फिर मैं प्लेज भी बहुत कर चुकी। अब मेरे फादर ने यही कहा था मुझे कि बेटा अपने आप को तुम इतना बड़ा बनाओ कि कोई तुम्हें छू ना सके, ये सब जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ये सब तुम्हारे सामने बहुत छोटे हो रहे हैं। तो वही हुआ कि 2 सालों के बाद तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये जो एक सोसाइटी की आप प्रॉब्लम जो बोल रहे थे, बहुत भारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। मुझे याद है और बहुत अच्छे से आपने बहुत संजीदगी से और बहुत इमोशंस के साथ में उस पूरी घटना को आपने याद किया। मैं अब गरीबी हटाओ में आपके साथ सर्जना में काम करता था और जिस तरीके से हम लोग रिहर्सल के दौरान बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के भीतर में रहते हुए जो एक ख़ास किस्म का रेसिस्टेंस
इस एफर्ट के खिलाफ, और उसको हम लोग जिस तरीके से करते थे, मतलब जिस तरीके से उसका काउंटर होता था, और वो काउंटर, हाँ, उस मामले में उस नाटक से जुड़े हुए बाकी सारे कलाकार भी इसके साक्षी होंगे, लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि उस पूरे एपिसोड में आपने किस तरीके से न केवल बर्ता, हाँ, न केवल बर्ता बल्कि उससे बहुत स्ट्रॉन्ग और विक्टोरियस होकर के आप बाहर निकल करके आई। अब ये हो गया, मेरे सामने एस्टैब्लिश्ड है कि ये कौन है रश्मि सिन्हा, ये किस किस्म का व्यक्तित्व है। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो दरअसल हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर का जो बेसिक इरादा है, ये 80 के दशक को हम लोग मतलब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा इसको दोबारा इसको रिलीव करने की बात नहीं है, इसको रिवाइव करने की बात नहीं है, इसको दरअसल डॉक्यूमेंट करते समय में एक इंट्रोस्पेक्शन का रिक्वायरमेंट है, जरूरत इस बात की है कि हम लोग देखें कि वो क्या था। मृत्युंजय ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में एक बात कही कि सबको ये लगता है कि साहब उसका जमाना ही सबसे बढ़िया जमाना था, लेकिन अब मृत्युंजय इस बात का क्या करें कि सच्चाई है कि वो 80 का दशक जो हमारा आपका जमाना था वो सचमुच में सबसे बढ़िया जमाना था। मैं ये नहीं कहता कि आगे इससे बढ़िया नहीं होगा, इससे बढ़िया हो इसका हम लोग इसकी इच्छा करते हैं, हम लोग इसकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी तक उतना बढ़िया हो नहीं रहा है। तो इसीलिए ये पटना का रंगमंच 80 के दशक का पटना का रंगमंच, इस आपकी नजर में वो क्या है? आपने 78 से लेकर 86 तक सीधे सीधे तौर पर एक्टिवली, और एक्टिवली का मतलब कंप्लीटली एक्टिवली, सुबह से लेकर रात तक चंदा मांगना, स्टेज सेट करना, मेकअप करना, मिट्टी उठाना और उसके साथ साथ परफॉर्म करना, तो ये क्या था बताइए। देखिए 80 का दशक तो बहुत ही एक्टिव था पटना रंगमंच के लिए, बल्कि नेशनल लेवल पे पहचान होने लगी थी पटना रंगमंच, क्योंकि इसकी प्रस्तुतियां इतनी अच्छी थी, इसमें इतना बहुत प्रोमिनेंट था 80 के दशक में। लेकिन मैं थोड़ा पहले से शुरू करूँ, क्योंकि मैं 1978 में ही थिएटर में जुड़ गई थी, और 1978 में कला संगम बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और बहुत ही अच्छी उनकी प्रस्तुतियां भी थी। जैसे मैंने किसी एक फूल का नाम लो किया था, गोदान, आम्रपाली, ये सब ओपन एयर थिएटर में उनकी प्रस्तुतियां थी, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, और उसकी और कला संगम के ज्यादातर लोग फिर आकर के इप्टा में जुड़े, और तो एक तरह से फ्लो था ना कि 70s बहते हुए 80s में जा रहा है। और एक में मुझे लगता है कि 80s में जो भी यूथ था बहुत ज्यादा जोश था, आज भी जोश होगा ऐसा नहीं है जोश नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जोश था, जुनून था कि कुछ करना है, हमें सोसाइटी में चेंज लाना है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि 70s का जो बैकग्राउंड है वो शायद काम कर रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखिए 1970s, तो मुझे लगता है कि 1970s में जितनी उठा पटक और जितनी उथल पुथल बिहार के लेवल पे थिएटर में जनरल हुआ, जैसे जेपी आंदोलन, सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए, और फिर इमरजेंसी, ये सब, और सब में मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स थे एक्टिव। मैं इस वजह से सबका मेंशन करूँ कि सब स्टूडेंट्स एक्टिव थे, और यही स्टूडेंट जब बाद में जब सेटल होता है तो उनको अपनी ताकत का अंदाजा, वैसे तो सबको सारे को लगता है कि मुझ में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली सच कुछ चैनलाइज होके हम कुछ फलीभूत कर पा रहे हैं, इसका भी उन्हें अंदाजा हुआ। तो ये सारा जोशो खरोश बहुत ज्यादा था, जैसे मैं टीनेजर थी 70s में, 80s में मैं यूथ में घुसी, तो वो सारे जोश के साथ जो टीनेजर या अर्ली टीन से लेते हुए सब 80s में घुसे, तो बैकग्राउंड में वो बहुत सारा जोश और कुछ कर देंगे, कुछ बदल देंगे वाला जो जोश था, जिसने जेपी मूवमेंट कराया या उसके आगे कराया, उस जोश के साथ 80s में घुसे। और इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करते होंगे, जिस जो थिएटर में घुसे तो उसमें बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स एक्टिव हुए और बहुत जोशो खरोश के साथ सब प्ले करते थे। और देखिए एक डिफरेंस आज के और उस समय के थिएटर में जो मुझे नजर आता है वो ये है कि आज बहुत सारे थिएटर जो ग्रुप से, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, बाकी जगहों पे भी होगा कि इनको बहुत ज्यादा फंड वगैरह मिलने लग गए हैं, तो वो जो जोश खरोश है ना कि हमें
बेस्ट परफॉर्मेंस देना, तभी हमारे पास ऑडियंस आएगी और तभी हम खर्चे को मीट कर पाएंगे। वो अब उतना ज्यादा नहीं रहा अगर आपको फंडिंग के साथ आप प्ले कर रहे हो, तो आपको परफॉर्म कर देना है कुछ, ये हो गया। लेकिन उस समय तो था कि एक तो जोश जोश खरोश है, हमें सोसाइटी में चेंज लाना और हम केपेबल हैं, हम कुछ कर सकते हैं, इसके साथ प्लेस होते थे। और प्ले का जो प्रदर्शन है वो ए प्लस होना है, जैसे आप ये आर्ट क्राफ्ट सोशली रेलिवेंस के साथ पब्लिक को एंटरटेन करना है, ये सारा पैकेज के साथ हमको कुछ प्रस्तुति देनी है ताकि हमारे लिए लोग आए। और क्योंकि उन दिनों ऐसा नहीं था कि आपको डोनेशन मिल रहे हैं, कुछ लाख रुपए मिल रहे हैं, आप बस स्टेज पे जाओ और आपको पैसे मिल गए, आपको फंडिंग होती थी आपकी बेसिकली टिकट कलेक्शन से, उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कुछ लेते थे। तो वो जो एरा था उसको मुझे लगता है कि दोबारा आने में टाइम ही लगेगा, क्योंकि वो जुनून भी होना चाहिए सोसाइटी चेंज करने, आज के टाइम वो जुनून नहीं है, आज के टाइम दूसरे ऑप्शन आ गए हैं कि लोग दो चार नाटक करो उन ऑप्शंस की तरफ चले जाओ। उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, जो नाटक करते थे उन्हें पता था हम नाटक कुछ खास मकसद से करें, सोसाइटी बदलना नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकली नहीं थी इंक्लाइंड या सोसाइटी बदलना नहीं था, मेरी प्रतिबद्धता थी थिएटर और अच्छा नाटक करने के लिए। तो इस तरीके का समूह था जो इतना अच्छा प्रदर्शन होता था। हमने भी इप्टा में महाभोज किया, जो महाभोज अपने आप में एक महाभोज एक मिसाल ही कायम हो गई है, हजारों लोगों ने देखा उसे, आप हम सब उसके पार्ट थे। दो तीन दिनों तक तो सेट ही बनता रहा, ओपन एयर में हुआ, 2,500-3,000 कैपेसिटी एक दिन की थी, 10,000 लोगों ने देखा। तो वो जुनून वो जोश और बिना किसी रिजल्ट के, मतलब कुछ मॉनिटरी रिजल्ट नहीं देख रहे हो आप, तो वो सब चीज था जो इतना अच्छा था उस पीरियड। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ कि कलाओं में जब कभी भी कुछ एक ऐसा सीन बनता है, इसको आप संयोग कहें जो भी कहें, जबकि कुछ एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, एक डेफिनेटली जो जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड की चर्चा आपने की, वो जेपी मूवमेंट का निश्चित रूप से इस 80 के दशक के थिएटर के साथ रिश्ता है। उसी के साथ साथ आपको याद होगा, हम सबको बहुत अच्छी तरह याद है, उस समय पटना में अदरवाइज एक जो ऐसा कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था, उस कल्चरल इन्वायरमेंट का एक पार्ट वो है जबकि अचानक से दशहरे के पहले से आपको भारत भर के सारे शास्त्रीय संगीतकार पटना चले आ रहे हैं। और क्या पटना में कौन सा, पटना उस समय भी आर्थिक रूप से उतना ही पिछड़ा हुआ शहर था, और हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि भीमसेन जोशी और पंडित जसराज और दुनिया भर के सारे तमाम बड़े बड़े नाम, हाँ, वो इसलिए थोड़े ही आ रहे थे कि उनको सबसे ज्यादा पैसा वहां मिल रहा था, नहीं, बिल्कुल ही नहीं, एकदम आपका कहना सही है। कलाओं के विकास में, कलाओं के जीवन में, मतलब अगर किसी एक पीरियड या किसी एक शहर की कला के जीवन की बात करें, तो उसका जो अपना एक उसका जो एक उसकी जो यात्रा होती है, उस यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर संयोग भी एक काम करता है, व्यक्ति भी काम करते हैं। बिल्कुल सच है कि पटना इप्टा की उपलब्धियों को कला संगम की उपलब्धियों से, या अंतरंग या किसलय या अंकुर, एक साथ जो 10-15 सर्जना और कला त्रिवेणी, इन सारी अनागत इन सभी संस्थाओं के साथ उनके परिप्रेक्ष्य में ही पटना इप्टा को देखना होगा, पटना के रिंग थिएटर को देखना होगा। ये सब एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ऐसा माहौल बन रहा था कि सर्जना में प्रोफेसर संतोष कुमार नाटक उठाएं तो उसमें काम करने के लिए अनागत का लड़का चला जाए। मैं तो उस समय अनागत संस्था में काम करता था और उसी के बाद मैं भी पटना इप्टा में आया, और पटना इप्टा के डायरेक्टर तनवीर अख्तर सह निर्देशक बनने के लिए संतोष कुमार के साथ जाए, मतलब थिएटर होगा तो सब एक दूसरे के साथ है। हाँ, तो ये एक माहौल उस समय जो बन रहा था, इसमें एकदम मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं दरअसल इस बात को और इसकी पड़ताल और अंदर तक करना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन तो क्रिएट हो गई, सिचुएशन का क्रिएट होना उसमें बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एटसेट्रा फैक्टर्स काम कर रहे हैं, कल्चरल फैक्टर्स का, लेकिन अल्टीमेटली सर्वाइवल, अल्टीमेटली क्रिएशन,
वो जो है वो तो निश्चित रूप से ग्रुप का काम है, समूह का काम है, एक्टर का, एक्ट्रेसेस का, डायरेक्टर का। उसको उस पीरियड को, उस क्रिएटिविटी को याद कीजिए, उसको शेयर कीजिए हमारे साथ। उस समय के जो भी हम काम करते थे उस समय के एक्सपीरियंस को आप शेयर करने की बात कर रहे हैं। कला संगम जब मैंने ज्वाइन किया तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल शुरुआत की का टाइम था, बल्कि मैं समझिए कि बच्चे वाला ही मेरा लेवल था, 16 साल उम्र थी। तो उस समय तो मैं वहाँ के जो एक्टर्स थे उनको मैं बिल्कुल देखती होती थी, सतीश आनंद जी हुए या सुमन कुमार, में बड़ा स्टाइल आइकॉन था उस समय, बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से एक्ट करते थे। तो ये सब मेरे लिए, मैं इन सबको ऑब्जर्व करती होती थी कि कैसे एक्ट कर रहे हैं क्या। फिर और परवेज अख्तर जी उन दिनों एक्ट करते थे, बाद में तो पूरी तरह डायरेक्टर हो गए और एक्टिंग छोड़ ही दिया। तो परवेज अख्तर जी जुलूस नाटक कर रहे थे जब मैं, जिन दिनों मैं थी, या उसके बाद भी बहुत सारे और नाटकों में किया उन्होंने, जिसमें मैं नहीं भाग ले पाई लेकिन उन्होंने किया। तो ये सब जो थे, तो इन सब के जिस तरीके से वो कैरेक्टर को अडॉप्ट करते थे, कैरेक्टर की एनालिसिस करते थे, ये सब मैं देख करके समझने की कोशिश करती थी। इसके साथ के साथ मैं अगर थोड़ा बोलूं तो हम लोग थोड़े शरारत भी करते होते थे, जैसे सतीश आनंद जी के चाय बनाने के लिए मिल्क पाउडर आता था, हम मिल्क पाउडर खाकर खत्म कर देते थे। ये सब अपने होते रहते थे, वो नाराज होते थे, दूध खा गया, या लिस्ट बनता था कि भाई सामान का लिस्ट बन रहा है तो लिख दिया ऊपर में मिल्क, फिर ये चाय पत्ती वगैरह कहते हैं, नीचे में दूध, एक दिन पकड़ा गया कि। तो ये सब शरारतों वाला जो कला संगम का जो था, वो मुझे वो याद है, लेकिन मैं बहुत ही छोटी थी। तो कला संगम फिर उसमें बिखराव आया क्योंकि कुछ उसमें आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए और मतभेद था वहाँ के जो भी काम करने के जो तरीके थे, इससे लोगों को मतभेद था। और सच पूछे तो मैं उतनी ज्यादा उस समय मैं इतनी ज्यादा नहीं थी जागरूक कि मैं सच में अपने पॉइंट बोल पाऊं, लेकिन जो भी बोलते थे लोग तो मुझे लगा कि हाँ, कला संगम में कुछ थी प्रॉब्लम्स। तो लोग फिर आए, तो मैं सर्जना में मैंने ज्वाइन किया, सर्जना में तो बहुत कम एक प्ले ही किया, फिर इप्टा में आ गई। और फिर इप्टा का उन दिनों पुनर्गठन ही हो रहा था, समझिए बिहार में, वैसे तो इप्टा बहुत पुरानी संस्था है, 1943 या कभी से जो नेशनल लेवल पे, पर उस समय पुनर्गठन हो रहा था। तो जो भी हुआ, लेकिन मैंने तो इसको एज एन एक्ट्रेस ही ज्वाइन किया था, क्योंकि इप्टा के बहुत सारे फैसेट्स थे, एक तो आप थिएटर भी था, कुछ पॉलिटिकल इसका लीनियज भी था, लेकिन मैंने उसको पूरी तरह से ज्वाइन किया था एज एन एक्ट्रेस की तरह से। और हमारे काफी सारे जैसे परवेज भाई और विनीत के साथ, पहले मैंने कला संगम में कोई प्ले नहीं किया, उसके बाद लेकिन तो इप्टा में तो सारे प्ले में मैं और वो हम दोनों साथ ही रहे। तो इन लोगों ने इधर ज्वाइन किया, और जो भी करने का काम करने का तरीका जो भी बनाया यहाँ इप्टा में, मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके तरीके बनाए, जो कमियां इन लगी कला संगम में, जिस वजह से वहां से तोड़ करके ये यहाँ पे आए या उसे छोड़ के यहाँ आए, तो वो कमियां ना रहे, उन सब चीजों को ध्यान रखे, बहुत सोचते समझते हुए इप्टा के जो वर्किंग लेवल जो था वो तैयार किया गया, ताकि कोई बीच में मेजर कंट्रोवर्सी वैसी ना आ जाए या डिससैटिस्फेक्शन ना आ जाए जिस तरह का कला संगम में आ रहा था। हालांकि कला संगम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे, लेकिन बहुत डिससैटिस्फेक्शन था। तो उन सब चीजों को, कमियों को दूर करते हुए इसको बनाया जाए। तो ये सब कुछ चीजें थी जो बड़े, ये समझने की भी कोशिश करती थी, ठीक है एक्टिंग भी कर रही हो लेकिन ये सब कुछ चीजें हो रही हैं, जो किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन को आप चलाना चाहते हो लंबे टाइम तक के लिए, तो ये सब क्लैरिटी और ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये जो बहुत ब्रॉडली कहिए तो ये था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छे से इस बात को रखा। दरअसल जो बातें आप कह रही थी, मैं उसको रिफ्रेज कर रहा हूँ, अगर आप इससे सहमत हैं तो आप कहेंगी, राजी होंगी। कला संगम या दूसरी संस्थाओं के साथ जो बुनियादी समस्या थी, जिसको आपने कहा कि जिसको पटना इप्टा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वो समस्या था किसी तरीके से एक, वो जो तथाकथित रूप से एक स्टारवाद, जो कि स्टारवाद को जन्म दे रहा, व्यक्ति केंद्रित थिएटर। बिल्कुल, व्यक्ति केंद्रित थिएटर। अब कला संगम बहुत बढ़िया संस्था थी और इतने सारे बड़े बड़े अभिनेता
और बाद में चलकर वही उन्हीं में से कुछ लोग बड़े निर्देशक, परवेज अख्तर बड़े निर्देशक बने, विनीत कुमार और आप या बहुत सारे लोग। तो लेकिन वो व्यक्ति केंद्रित संस्था और उस व्यक्ति केंद्रित के बदले पटना इप्टा, मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कोई मसला ही नहीं है। पटना इप्टा उस समय में जिस तरीके से खड़ा हो रहा था, वो अपने आप को बहुत ही प्लान्ड मैनर में किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलग करके देखता था, प्रेजेंट करता था कि वी शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या कोई पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, उसके साथ साथ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग, इसको बढ़ावा देता था। और दूसरी तरफ वो उसकी उसका जो मूल नारा था, एक मोटो ऑफ इप्टा था कि पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल। तो ये मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल इस बात को उस दौर का पटना इप्टा प्रोजेक्ट कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से? देखिए, आपने जो कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जो मैं खुल के नहीं कह रही थी कि कला संगम की मेन प्रॉब्लम यही हो गई थी कि डायरेक्टर एक ही रहेंगे, मेन एक्टर भी डिसाइडेड है, अब इसके बाद आप फिट इन होइए। तो अब कुछ समय तक तो ये चीजें चलती है, लेकिन हर आदमी बड़ा होना चाहता है या एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसका स्कोप नहीं था। अब आज जब वहां पे परवेज अख्तर वहीं पे लगते थे कि कमाल के डायरेक्टर होंगे, जो भी उनका अपने एक्टिंग में ही जो वो दिखाते थे, बल्कि वहां जब हम थे तो लोग कहते थे कि फ्यूचर डायरेक्टर हैं, उनको लोग कहते ही थे कला संगम में कि फ्यूचर डायरेक्टर हैं परवेज अख्तर। तो जब यहाँ पे इप्टा में की जब शुरुआत हुई, तो यहाँ पे जो मैंने देखा, मैं कई साल तक रही इप्टा में, पांच छह साल करीब। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि कोई फिक्स्ड एक डायरेक्टर नहीं रहेगा। हालांकि ज्यादातर प्ले के डायरेक्शन परवेज अख्तर और तन्वीर अख्तर ने दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसाइडेड था। अगर कोई दूसरा आदमी अपने आप को ऑफर करता कि मैं करना चाहता हूँ, तो शायद वो तो उसको मिलता। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्ले किए, आपने भी एक प्ले का डायरेक्शन दिया, बहुत सारे लोगों को ये मौका दिया, उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम एक प्ले डायरेक्ट करो। मैंने कहा मेरी भी नहीं है कैपेबिलिटी, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, एक्टिंग के अलग अलग फैसेट दे सकती हूँ, मैं होलिस्टिकली उसको नहीं डिजाइन कर सकती। मुझे कितनी बार तन्वीर अख्तर जी ने कहा, लेकिन मैंने मना किया। तो इस तरह से मुझे लगता है बाकियों को भी वो मौका देते होंगे, बाकी लोग मना कर देते होंगे। इसके बावजूद कुछ लोगों ने तो किया ही, आपने किया और कुछ लोगों ने किया। और ये एक बात थी। साथ में ये भी नहीं था कि एक ही एक्टर है हमारे बीच में। विनीत जी बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। मतलब मेरे लिए तो सच में पूछिए तो मैं उनको देख के बहुत सीखती थी, बहुत ज्यादा सीखती थी। लेकिन फिर भी ये नहीं होता था कि सारे मेन एक्टर मेन रोल उन्हीं को मिलेंगे, ऐसा नहीं था। मुझे बाय चांस बहुत सारे मेन रोल्स मिलते गए। उसके पीछे मुझे ये लगता है कि मेरे एज ग्रुप में बहुत लेडीज नहीं थी, जो गर्ल्स थी बड़ी यंग थी। जैसे शुरू में सरिता जी थी, सरिता सिन्हा, तो सरिता सिन्हा मेन एक्ट्रेस का की, मैंने साइड वाला रोल किया। जब वो छोड़कर चली गई, तो ये जो एक एज ग्रुप होता है जिसमें थोड़ा मेच्योर रोल कर सको, उसमें मैं ही थी। इसके अलावा बाकी सारी जो थी वो काफी यंग गर्ल्स थी, तो ये इस वजह से मुझे मौका मिला। या फिर शंपा घोष आई, तो वो भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन कई सारे जो बड़ी क्लिष्ट हिंदी वाले नाटक थे तो बंगाली थी, तो उनको जरा भाषा की प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इस वजह से ऐसा होता गया कि बाय चांस मुझे मेन रोल लेडीज के मिलते चले गए। बट अदरवाइज ये दो चीजों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई डायरेक्टर फिक्स्ड है और बाकी के कोई अपना कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या एक्ट्रेस फिक्स, ये सब नहीं था। डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, ये सब में तो बहुत सारे लोग लगे रहते थे, तो हर आदमी हर तरीके से लगा रहता था। तो ये तो पूरी तरह से उन्होंने जो मोनोपोली थी कला संगम की, पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। और बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में जो पीपल थिएटर, एक्चुअली पीपल थिएटर बनाए कि हर आदमी इन्वॉल्व है हर चीज करने में। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हर चीज की मोनोपोली टूट गई, बिल्कुल ठीक आपने कहा, सिवाय एक मोनोपोली के, वो आपकी थी। वो एक मजबूरी मेरे ख्याल से हो गई। जैसे एक कोई प्ले था, बहुत सारी अभिनेत्रियों को इससे बहुत शिकायत होगी, लेकिन अब उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। नहीं, मुझे भी लगता है जैसे कोई प्ले था सत्य हरिश्चंद या किसी में शंपा को मिला था मेन रोल, लेकिन शंपा के साथ वो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम आ जाती थी क्योंकि बंगाली भाषी थी। नहीं, बात सच है, शंपा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, और कई और बीच में ग्रुप के साथ बहुत सारी दूसरी लड़कियां भी जुड़ी जो कि
हम लोगों का जो एज ग्रुप था उसी एज ग्रुप की थी, लेकिन इसमें ये मोनोपोली तोड़ने का कतई यह मतलब नहीं होता है कि किसी व्यक्ति की जो अपनी निजी प्रतिभा है उसका कोई मतलब ही ना रखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और ठीक है, बाद के दौर में हमने देखा धीरे धीरे करके मेन रोल करने के लिए कई अभिनेत्रियां आ गईं, नूतन आई, सोनल आई, मोना आई, वो सब बहुत कम एज की थी, मेरे से 7-8 साल छोटी थी, तो मैच्योर रोल के लिए तब उनकी वो उम्र नहीं थी। हाँ, और निवेदिता ने ट्राई किया, निवेदिता तो बहुत कॉन्सेंट्रेट एक्टिंग पे कर नहीं पाती थी और भी दूसरे काम में रहती थी, इस वजह से मेरा ख्याल एक दो नाटकों में रोल किया। तो ठीक है, जो भी हो, अब इस मामले में लोग, कुछ लोग तो कहेंगे ही कि आपके साथ पक्षपात हुआ, मतलब आपके पक्ष में पक्षपात हुआ। और दूसरी बात मैं इस पर यह करूंगा, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मैं खुद मुख्य रूप से खासतौर पर सतीश आनंद एज ए डायरेक्टर और परवेज अख्तर एज ए डायरेक्टर, कई बातें आपने कही हैं, लेकिन वो बातें, मतलब मैं बेसिकली उस क्रिएटिव प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब और दूसरी चीजों से नहीं है, क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात करें। आपने काम तो संतोष जी के साथ भी किया, तनवीर अख्तर के साथ किया, मेरे डायरेक्शन में आपने काम नहीं किया है लेकिन नहीं, लेकिन और संजय के भी नहीं, नहीं संजय ने एक बार ऑफर किया था, आए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया था, नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन परवेज अख्तर और सतीश आनंद, ये दो ऐसे, हम लोग मानते हैं और बल्कि हमारे डायरेक्टर सबसे ज्यादा पुरजोर स्वर में ये कहते हैं कि थिएटर बेसिकली एक्टर का मीडियम है, लेकिन एज एक्टर्स, और बल्कि मैं उसमें ऐड करूं, बाद के दिनों में मैंने नाटक लिखना शुरू किया तो एज प्लेराइट आल्सो, मैं आज की डेट में इस बात को जानता हूं कि डायरेक्टर ही मालिक है थिएटर का, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। डायरेक्टर की एक लिमिटेशन है कि डायरेक्टर जो है वो स्टेज पर खुद जाके खड़ा नहीं हो सकता है, और स्टेज पर खड़ा हुआ एक्टर उसके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, दैट इज द ओनली पॉइंट जहां पर डायरेक्टर का कंट्रोल नहीं है, लेकिन अदरवाइज आज की डेट में थिएटर अपने आप में डायरेक्टर्स मीडियम बन गया है। इसलिए मैं पूछता हूं कि सतीश आनंद एज ए डायरेक्टर और परवेज अख्तर एज ए डायरेक्टर, इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगी आप? देखिए, एक तो दो तरह से, दो लेवल पे कंपैरिजन देख लीजिए, एक तो पर्सनालिटी के लेवल पे और दूसरा वर्किंग लेवल। तो पर्सनालिटी लेवल पे दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। मैं तो सतीश आनंद जी को बहुत साल पहले मैंने देखा है, तो अब अगर बदल गए हो तो अलग है, लेकिन उन दिनों बड़े गर्म मिजाज होते थे, बहुत गर्म मिजाज। और परवेज अख्तर जी बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल उनको कभी गुस्सा होते देखा नहीं है, कभी जोर से किसी पे बोलते नहीं देखा। और सतीश आनंद जी तो बहुत गुस्सा हो जाते थे, बिल्कुल, मतलब अगर वो उन तक मेरी बात पहुंचा देगा तो उन्हें बुरा भी लग जाएगा। वो देख रहे होंगे। बहुत गर्म मिजाज, उनकी लड़ाइयां भी बड़ी होती थी एक्ट्रेस से, लड़ाइयां हो रही है बीच में, एक्ट्रेस छोड़ के जा रही है, मतलब ये एक होता था कि बिल्कुल गर्म मिजाज, जो वो चाह रहे हैं, जो भी तरीके से करना चाहे कुछ भी, तो उसमें बहुत ज्यादा वो मतलब नानुकरे इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। तो ये तो, हालांकि देखिए बहुत साल हो गए, 40 साल पहले मैंने उनके साथ काम किया है, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट एज अ पर्सनैलिटी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे। और सतीश आनंद जी बहुत ही ज्यादा गर्म मिजाज थे। इनफैक्ट मैं बताऊं, जब मैं पहली बार गई, मैंने कहा कि मैं साड़ी वगैरह पहन के गई कि 37 साल की लेडी का रोल करना है, और जब मैं घुसी तो लड़ाई हो रही थी, सतीश आनंद जी और विनीता अग्रवाल जी थी, एक बहुत सीनियर मेंबर थी, इन दोनों में लड़ाई हो रही थी, और ये मतलब तो उनका वो मिजाज था, तो हम सब डर सहम के रहते थे, कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं। तो जहां आपको बोलने का, जहां आप डायरेक्टर से इतना डर के हो तो आपकी ओपिनियन भी नहीं ज्यादा जाएगी, क्योंकि आप डरे हुए हो बहुत ज्यादा। और बाकी उनकी काम करने की जो प्रक्रिया थी, उस बहुत दिन हो गए हैं तो मैं उतना ज्यादा नहीं उस पर लाइट दे पाऊंगी। परवेज अख्तर जी का है कि बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अदर बिल्कुल ऑपोजिट सतीश आनंद के, कि नाराज होते भी हैं तो पता नहीं चलता, उनके हम नजर को देख के जज करने की कोशिश करते हैं कि नाराज हैं क्या, और उनके नजर बस आईज फेस, मतलब लिप्स तक से भी नहीं पता चलेगा कि वो नाराज हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी है।
इनके इनका जो काम करने का तरीका है, सतीश आनंद जी का भी था काफी थोरो काम, बिल्कुल डायरेक्टोरियल की जो मैं कह रहा हूँ उसी तरीके से तुम्हें करना है। और परवेज अख्तर जी का मैंने देखा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने किया काम, तो इसीलिए रिवाइव हो गया, बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल ताजा याद है तो मैं कह सकती हूँ। तो वो उनका उनकी पूरी शुरुआत जो वो करते हैं वो सीधे एक्टिंग से नहीं करते हैं, जैसे तुम्हें बोलना है तो क्या एक्सप्रेशन रखो, नहीं, वो इतना ज्यादा टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं परवेज अख्तर जी। पहले तो 4 महीने लगाते थे एक पे तैयार करने में, बहुत ज्यादा मतलब टेक्स्ट पे, शब्द पे, शब्दों के उच्चारण, फीलिंग के हिसाब से वो शब्द की क्या लय होनी चाहिए, और फिर एक्सप्रेशन लय सब करते हुए, और उस लय में किसी शब्द के किस किस अक्षर पे ज्यादा जोर पड़े और किस पे कम पड़े, ये करते हुए आप एक्सप्रेशन तक जाओ। तो उनका तो मतलब एक तरह से समझिए कि आप पूरा लिख सकते हो एज अ मतलब एज अ डायरेक्टर, उनके ऊपर आप पूरा लिख सकते हो कि किस तरह से, जिसमें हम लोग जब पहले भी करते तो हम हमेशा फेल हो जाते थे, क्योंकि उनके जो तरीके हैं उतना ज्यादा परफेक्शन में हम नहीं जा पाते थे। तो एक तरह से कहिए कि परवेज अख्तर जी परफेक्शनिस्ट हैं। मैं ना परवेज भाई को मैं ऐसे करती हूँ कि एक पेंटिंग जैसा बना लिया, वो कैरेक्टर के हर सीन के दिमाग में एक पेंटिंग है और वो पेंटिंग पूरा होना चाहिए। तो पेंटिंग में आपको जैसे शब्द को इस तरह बोलना है, इस तरफ देख के बोलना है, इस एक्सप्रेशन से बोलना है, बहुत डिटेलिंग में जाते हैं वो। और हम सब तो उसी को सीख देखते हुए बड़े हुए थे, शुरुआत में हम सब ने वैसे ही एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, तो हम तो उन्हीं डिसाइपल होते, ये बहुत मेजर डिफरेंस दोनों में है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बिल्कुल। नहीं बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आता हूँ आपके अपने अपनी तैयारी पे, एक एक्टर के तौर पर, एक एक्ट्रेस के तौर पे, जो आपका अपना रोल बिल्डिंग प्रोसेस है, क्योंकि दरअसल उसके पीछे एक खुदनस भी है जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। यानी रिहर्सल में सबसे पहले अगर कोई रोल एकदम से मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर सामने आने लगा है तो वो रोल रश्मि का है। अब रश्मि के जो को एक्टर्स हैं और बहुत बार वो श्रीकांत हैं, तो नतीजा यह है कि अब शिकायत हो रही है कि करो क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो यानी ये जो आपका मतलब आपकी जो मेन स्ट्रीम है, मतलब कि बेसिकली जिसको कहा जाए कि बेसिक स्केलेटन क्रिएशन, रोल का जो स्केलेटन क्रिएशन आपका इतना टू द पॉइंट होता था बहुत शुरू से। दूसरी बात ये कहूंगा कि जो मतलब नॉर्मली एक डायरेक्टर क्या चाहेगा, ऐसा एक्टर चाहेगा जिसको जो कहा गया वो उसने जस्ट इमेजिन किया, मतलब कि वो सबसे पहले उस चीजों को समझता है, कॉम्प्रिहेंड करता है, और कॉम्प्रिहेंड ही नहीं करता बल्कि उससे दो कदम आगे बढ़ के उसको पेश कर देता है। तो नतीजा ये है कि हमेशा हमारे यहाँ समीक्षा गोष्ठियों में रश्मि सिन्हा की सबसे ज्यादा तारीफ होती थी। रश्मि सिन्हा डायरेक्टर्स एक्ट्रेस के तौर पर, मतलब नॉर्मली मैं एक जुमला दे रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते थे रश्मि सिन्हा को अच्छा डायरेक्टर मिल जाए उसका रश्मि सिन्हा से फेल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि रश्मि सिन्हा को बात बहुत जल्दी समझ में आती है, और रश्मि सिन्हा एज एन एक्ट्रेस इक्विप्ड है इसके लिए प्रॉपरली कि वो उसको जो मांगा जाए उसको प्रोड्यूस कर देती है। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आप सहमत हैं कि आप डायरेक्टर्स एक्ट्रेस हैं या आपको इस बात से विरोध है? बरसों तक तो मुझे यही लगता रहा, जब तक मैं पटना में रही, कि मैं डायरेक्टर एक्ट्रेस हूँ, मुझे एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए जिसको कि मेरे कैरेक्टर की पूरी छवि उसके सामने क्लियर है, वो क्या चाहता है, और वो मुझे बताएंगे और मैं पूरी तरह से उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। जैसा आपने बताया कि ऐसा होता था, तो जो भी हो, चाहे सतीश आनंद हो, परवेज भाई हो, तनवीर अख्तर जी हो, जो भी होते थे, जो जिस तरह से मुझे कैरेक्टराइजेशन बताते थे, जिस तरह डायलॉग बोलना है ये बताते थे, क्या एक्सप्रेशन, मैं हूबहू वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती थी। तो मैं 86 तक तो यही समझती थी कि मैं डायरेक्टर्स एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि दूसरे तरह का मुझे मौका नहीं मिला कि मैं ये सोच पाती कि अगर कोई डायरेक्टर नहीं है या डायरेक्टर बहुत ही वीक है, फिर भी मैं किसी चीज को अच्छा प्रेजेंट कर सकती। जब मैं दिल्ली आई तब मेरी ये जो
ये जो मेरी सोच थी अपने लिए ये टूटा। मैंने यहाँ आके कुछ साल तो मैं कर नहीं पाई नाटक, 3-4 साल तो नहीं कर पाई। उसके बाद जब मैं 3 साल नहीं कर पाई, उसके बाद जब मैंने यहाँ शुरू किया तो मैं एनएसटी गई। वहां उस समय एक्ट वन ग्रुप शुरू हो रहा था। एक्ट वन ग्रुप बहुत फेमस ग्रुप है क्योंकि इसके सारे लोग अभी फिल्मों में गए हुए हैं। ये शुरू हो रहा था और ये 2 नाटकों के साथ शुरू हो रहा था। तो मैं इस पर थोड़ा 2 मिनट टाइम लेके बताऊंगी कि डायरेक्टर एक्ट्रेस मुझे लगता था और तब कैसे मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो एनएससी में गई तो एनके शर्मा जी हैं, वो शुरू कर रहे थे 2 नाटक लेके, एक नेटुआ, दूसरा मरसिया, सॉन्ग ऑफ डेथ पे मरसिया। और इसके लिए आर्टिस्ट की खोज भी हो रही थी। और अच्छा, उस समय देखिए एनएसडी पास करने के बाद तुरंत काम तो मिलता नहीं था, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। मैं 1990 की बात कर रही हूँ, तो उस प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। प्राइवेट चैनल होने के बाद ऑप्शंस हो गए तो लोग सीधे बॉम्बे चले जाते, तो उस समय एनएसडी से निकलते थे तो कुछ होता नहीं था। क्या करें, ढूंढो क्या करना है, फिल्म ही दे है एक रास्ता, अदरवाइज क्या करोगे। तो जितने भी जो एनएसडी पास आउट थे वो सारे के सारे आते थे एक्ट वन ग्रुप में, या एनएसडी पास आउट नहीं हुए लेकिन जो कैलिबर जिनका उतना अच्छा एक्टिंग का हो, जैसे कि मनोज वाजपेयी हो गए, गजराज हो गए, ये सब, तो ये सब एक्ट वन ग्रुप में आते थे। तो ये सारा ग्रुप था। मैं गई, मैंने अपनी सिफारिश कराई थी मनोज वर्मा से कि भाई बोलो कि मुझे चांस है, मैं तो पटना में इतने साल तक काम की हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आओ। तो वहां पे जो तरीका था वो तो बिल्कुल ही अलग था। वहां पे तो इनके थे वो क्या करते थे, हर रोज हम लोग करीब 12-14 लोग हो जाते, दोनों नाटक मिला के 15-16 आर्टिस्ट थे हम लोग। तो मेरे नाटक में 4 दिन में मुझे बाद में लीड रोल मिला, शुरू में तो तुरंत नहीं मिला क्योंकि उनको भी देखना था कि मैं कर सकती हूँ नहीं। तो मरसिया लेडी एक वुमेन ओरिएंटेड नाटक था कि एक वुमेन कैसे बदला लेती है, बेटे को ही मरवा देती है, तो वो मेरा वो लीड रोल था। और दूसरा था नेटवा, जिसे मनोज वाजपेयी ने किया, जो कि बहुत ही फेमस है क्योंकि मनोज वाजपेयी ने उसे किया। तो ये दोनों मिला के 12-14 लोग थे। तो ये हर रोज तक 2 से 3, शुरू में तो 3 इम्प्रोवाइजेशन कराते थे, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स देते थे, इमेजिनरी सीन्स, और उसको आप ग्रुप में एक्ट करो। तो मतलब ये तो एकदम से, क्योंकि हमारा पटना में इस तरह से नहीं होता था। पटना में होता था कि अब चाहे कला संगम हो, सृजना हो या इप्टा, हमको स्क्रिप्ट दिया जाता था, हम स्क्रिप्ट पे अपना बोल रहे हैं, फिर डायरेक्टर बोल रहे हैं नहीं ऐसे नहीं बोलो ऐसे बोलो। लेकिन यहाँ तो पहले सीधे इम्प्रोवाइजेशन, जैसे कि अब सीन दे दिया कि रायट है, आप पूरे ग्रुप में हो, आप भाग रहे हो, आप क्या क्या करोगे। अब उसके बाद आप पूरी सीन इमेजिन करो, 15 मिनट तक आप पूरी सीन इमेजिन करके बोलते जाओ। अब अनदर सीन, जैसे मुझे याद आता है कि हम लोग 10-12 लोग जितने हैं दोनों प्ले में मिला करके, एक निर्मल पांडे जो बहुत फेमस हीरो हुए पहले, वो मेरे बेटे का रोल कर रहे थे तो वो भी थे, एनएससी पास आउट हो गया। तो उसमें था कि अब आप लोग को सबको उम्र कैद की सजा मिली है या फांसी की सजा मिली है, सब एक कमरे में बंद हो और किसी एक को छोड़ा जाएगा, और कौन किसको छोड़ा जाएगा ये नहीं पता, और आप बहुत सालों से बंद हो, अब आप अपनी मनस्थिति को सब एक्ट करते जाओ। तो ये ना, ये तो एकदम जैसे कि शेक कर दिया, बिल्कुल बुरी तरह से शेक कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेन रोल दिया, और मेन रोल दिया तो भी जिस तरह से पटना में होता था, जैसे मैंने कहा परवेज अख्तर जी इन सब के थे कि बिल्कुल छवि बनी हुई है उनके दिमाग में, बिल्कुल है कि इसको इस तरह से करना है और उसको मैं करने की कोशिश करती थी, उस तरह का नहीं हुआ। और ये दिल्ली में उस समय भी था और अभी भी मैं जिन ग्रुप के साथ काम की तो ऐसा ही हुआ। जैसे आसिफ अली हैदर रहे उनके साथ क्या, तो वही तरीका सबका, मैंने वही देखा कि आपको एक ब्रॉड फ्रेम दे देते हैं कि भाई आप ये हो, आपको ये करना है, अब आप करो, अगर आप बहुत खराब करोगे तो निकाल ही दिए जाओगे। तो यहाँ जरा स्कोप ऑफ करेक्शन कम था। तो तब मैंने खुद से जब अपना दिमाग लगाना शुरू किया, जब तक पटना में थी तब तक तो डायरेक्टर जो बोल रहे वही सोचती थी, वही मेरा दिमाग होता था। तो यहाँ ये तो लगा कि अच्छा नहीं, मैं खुद भी अपना लगा सकती हूँ, खुद भी एक कैरेक्टर को क्रिएट कर सकती हूँ। तो यही है कि एक्चुअली वो बात नहीं है। बहुत 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 अच्छा कहा। तो खैर ये भी अपने आप में मुझे मानना चाहिए कि ये फेज भी है, यानी एक दौर था जबकि आप डायरेक्टर्स एक्ट्रेस थी और फिर आपको सही किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो
तो आप अब मैं अपने आप को मानती हूँ कि जो जहाँ डायरेक्टर को बिल्कुल वैसा चाहिए तो मैं वो कर रही हूँ। जैसे पिछले साल मैंने परवेज जी के साथ काम किया तो मुझे पता है कि उन्होंने जो छवि बनाई वो बेस्ट छवि है, मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाके उन्होंने वो बनाया है, तो मैंने बिल्कुल उसी तरह से किया। लेकिन बाकी जो यहाँ है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कोई इस तरह का फ्रेमवर्क नहीं देते हैं, हमको खुद ही बनाना होता है, तो अलग अलग तरीके से करके अपना। बिल्कुल ठीक है, फिर इसी इसी अभिनय एक अभिनेत्री से बेहतर होगा कि हम लोग कुछ और देर तक उसके अपने अभिनय पर बात करें। तो एक काम तो वो है जो आपने पहले कहा भी है कि आपने डायरेक्टर्स या दूसरे अपने सीनियर एक्टर्स को, जैसे विनीत भैया को करते हुए या परवेज अख्तर को करते हुए, सतीश आनंद को करते हुए देखा है, माया सिन्हा को करते हुए देखा, आपने सीखा है। लेकिन हम लोग जानते हैं, अभिनेता खुद ये जानते हैं कि अभिनय अपने आप में कितना टेढ़ा काम है, और एक 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 रोल के हाथ में आने के बाद से ये जो अगले 2-3 महीने का ये जो जो गर्भ में एक बच्चे को पालने जैसा जो ये काम है, इसके अलग अलग स्टेजेस, मतलब एक अभिनय एक एक एक्ट्रेस के तौर पर आप अपने रोल को कैसे डील करती हैं, इस पर और बात कीजिए। जी देखिए, जब मुझे स्क्रिप्ट मिलता है तो एक तो लेखक ने जो कैरेक्टर बनाया है वो हुआ, लेखक ने जितने भी कैरेक्टर बनाए, जितने भी चरित्र बनाए हैं तो उसके कोई उद्देश्य से बनाया है, तो लेखक क्या चाहता है वो देखना, डायरेक्टर उसको कैसे परसीव कर रहा है। डायरेक्टर से बात होकर होता है ये कि भाई आप क्या चाह रहे हो, तो डायरेक्टर खुद ही बताते हैं कि भाई मैं ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो लेखक हुए, डायरेक्टर हुए, इन दोनों की क्या, उस कैरेक्टर के बारे में क्या वो चाहते हैं। इसके बाद बाकी पूरे स्क्रिप्ट में या दूसरों के डायलॉग के द्वारा मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, जैसे बहुत कठोर है या बहुत बोर है या बहुत गुस्से वाला है, या पुरानी, कई बार होता है कि पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र होता है और उसका कुछ इम्पैक्ट है, तो इन सारी चीजों को पहले मैं कलेक्ट करती हूँ कि भाई डायरेक्टर, राइटर ने ये लिखा है, डायरेक्टर ये चाह रहा है, जो जो राइटर लिखता है उसी के आसपास की चीज होती है, और उसके फिल इन द ब्लैंक की बाकी एक्टर्स क्या चाह, क्या कहना है मेरे कैरेक्टर के बारे में, ये करते हुए एक एक छवि, एक कैरेक्टर का ब्रॉड स्केच बनाती हूँ मैं मन में। फिर होता है कि ठीक है, अगर मेरा कैरेक्टर ऐसा है तो इसकी चाल कैसी होनी चाहिए, इसका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसको कंप्लीट, मतलब कि एक वो जो एक खाका है उसको ह्यूमन रूप देना, कि इसकी कोई भी बोलने में किस तरह से बोलेगा, किस तरह चलेगा, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर आदत है, किस कोई एक इसकी आदत है कि कुछ खास चीज बार बार कर रहा है, तो इस तरह से करके पूरी एक छवि बनाती हूँ। उसके बाद जो सीन होता है उस सीन में फिर मैं इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ कि मैं ही वो कैरेक्टर हूँ, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। अब इसमें मैं आपका एक मिनट टाइम लूंगी कि वैसे तो देखिए बहुत सारे सारे थिएटर वाले आपको ये कहेंगे कि गो इन द कैरेक्टर, थिंक इफ आई एम दैट कैरेक्टर, मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये बोलेंगे। तो लेकिन और वही है कि भाई कहीं मैं खूनी हूँ, कहीं मैं रो रही हूँ, कहीं मैं पंडित हूँ, कहीं मैं माधवी के सफरर हूँ, कहीं शैव्य हूँ, तो मैं वो कैरेक्टर हूँ, तो उसको मैं कैसे, उस पर्टिकुलर सीन को मैं कैसे अभिव्यक्त करूँगी, तो ये मेरी तैयारी के इसमें आता है। इसमें एक एक नाटक जो मैंने किया उसका मैं जिक्र करूंगी, जिसमें मैं, मेरे लिए सोचना बड़ा मुश्किल था कि मैं वो कैरेक्टर हूँ तो कैसे करूंगी, वो है सौदागर, जो आपका ही है, वो आप ही ने उसका नाट्य रूपांतर किया है, हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है ब्रेख्त का के नाटक को, जिसको 2-3 साल पहले मैंने किया, सौदागर। अब सौदागर का जो प्ले था, सौदागर प्ले में एक था कि जो उसके डायरेक्टर थे योगेश कुमार जी, तो उनका, उन्होंने बिल्कुल पूरी खुली हमको फील दे दिया था, कि उन्होंने कहते कि आप मुझसे सीनियर हो, मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता। मैं कहती थी मुझे कुछ बताओ, लेकिन उनका था कि मैं क्या गाइड करूंगा, आप खुद से अपने कैरेक्टर को परसीव करो। तो अब ये सौदागर के कैरेक्टर को मैं कैसे सोच सकती हूँ कि इफ आई एम दैट कैरेक्टर, क्योंकि उस सौदागर में मैं एक मर्द का रोल कर रही थी, और वो मर्द इतना क्रूएल है, गालियां देना, बात बात में गालियां देना, लात मारना, मारते मारते अधमरा कर देना आदमी को, जबरदस्त शक्की मिजाज, और इतना शक्की कि आदमी को फिर खून कर देना, तो वो कोई एक मर्द
एक औरत के हिसाब से मैं वो सोच सकती हूँ, लेकिन मैं वो मर्द के कैसे फीलिंग आएगी वो मैं कैसे सोचू, ये मेरे मेरे मैंने बहुत नाटक किया कि मैं सबसे डिफिकल्ट नाटक सौदागर था। तो इसमें फिर मैंने ये सोचा कि मैंने सोचने की कोशिश की कि कोई तो ऐसा आदमी होगा जो इतने ही क्रूएल, इतना क्रूएल नहीं होगा बट क्रूएल्टी के लेवल का हो जो मैंने कभी देखा हो। तो मेरे अपने याददाश्त में एक दो लोग आए, फिर मैंने उसको वहां पे मैंने अपने आप को नहीं बल्कि मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश नाम की क्योंकि नहीं बताइएगा नाम तो मैं नहीं बताऊंगी लेकिन मैंने कॉपी करने की कोशिश की। तो ये मेरी तैयारी के क्रम में जाता है। और फिर डायरेक्टर का तो ऑफ कोर्स इनपुट रहता है। जो सौदागर में योगेश तो कहता दीदी आप करो, मैं कहती ऐसे प्लीज मुझे मत छोड़ो, लेकिन पूरे तैयारी के क्रम में ये सारी चीजें मेरी आती है। बीच में एक सवाल पूछ रहा हूँ। शुरू में आपने कहा था कि नाटक करने की का जो बीज जो पड़ा था कि वो टेक्स्ट बुक में से कहानी या कहानी के कैरेक्टर्स को पढ़ना, बोल बोल कर पढ़ना, मतलब उसको एक्ट करना, ये एक शानदार शुरुआत है। मेरा कहना है कि किसी भी अभिनेत्री के लिए ये एक शानदार शुरुआत है। क्या अभी भी ये जारी है? आप रोजाना ये करती हैं? कभी नहीं, अभी कभी कभी नहीं, कभी 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 तो जरूर करती होंगी। अब नहीं करती हूँ। अब हालांकि अब लगातार कुछ ना तो कुछ नाटक कर ही रही हूँ अभी पिछले कुछ सालों से, तो वो स्क्रिप्ट लेकर के अपना चलता रहता है, मेरा वो बिल्कुल स्क्रिप्ट पे चलता रहता है। हाँ, हालांकि इस बात को पहले आपने अपने तौर पर कहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको इसलिए भी, मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है कि आप अपने उस 8-9 साल का जो पटना का सफर है, उस सफर को एक बार फिर से याद करते हुए आप ये बताएं कि वो अभिनेता, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने काम से आपको बहुत प्रभावित किया है, वो आपके सीनियर हो सकते हैं जिनको आपने साथ नहीं काम किया बल्कि आपने दर्शक के तौर पर उनका काम देखा हो या आपने उनके साथ काम किया हो। कला संगम में जब मैं थी तो माया सिन्हा सरिता इस बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत बहुत सीरियस और बहुत थॉरो एक्ट्रेसेस थी, बहुत लेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स निकाल कर लाती थी। सतीश आनंद जी का मुझे उतना याद नहीं है। जब परवेज भाई, तो मैंने उनको कला संगम में ही एक्ट करते देखा, लेकिन जो देखा था तो बहुत सीरियसली उन्हें मैं ध्यान देती थी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे। और बाद में बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, देखिए सच बताएं तो जितने भी एक्टर्स थे ना सब में कुछ तो मुझे मिल ही जाता था कि इनकी मैं ये चीजें कितनी अच्छे से किया। जैसे कुछ आपका था, आप पंडित का रोल कर रहे हो या जो भी, तो आप में से कई सारी चीजें मिल जाती थी। या हमारे जिसके जो स्टार थे जो लाइट के सामने फेस डाल रहे हैं, कह रहे, तो लगता था कि भाई मैं तो अपने डायलॉग को इधर से उधर ही बस बोल के रह जाती हूँ। संदीप मुखर्जी मतलब जहाँ बोलना वही बोलूंगी, पर संदीप मुखर्जी एकदम अपने आप को लाइट और सबके अकॉर्डिंग अपना मैनेज करके अपना बोलते थे। तो ये सब थे, लेकिन जावेद भाई के साथ एक मेन तो मैंने आई थी, एक में ही किया था माधवी, माधवी तो वो थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे पे इम्पैक्ट था विनीत का था, विनीत कुमार। बहुत सारे प्ले में मैंने किया काम उनके साथ, वो भी बड़े गर्म मिजाज के थे, बड़े गुस्से वाले थे, गरम नरम उनका होता रहता था, लेकिन उनके जो एक्टिंग के जो मतलब किस तरीके से कैरेक्टर पे घुसते थे लेयर्स आफ्टर लेयर। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी भी नहीं किसी से शेयर किया ये बात कि मैं ना मतलब जैसे कभी भी एक्टिंग के बाद या शो के बाद या रेगुलर रिहर्सल के बाद भी लोग डायरेक्टर का फेस देखते, तो मैं डायरेक्टर का फेस तो देखती थी कि डायरेक्टर को पसंद आया या नहीं आया, लेकिन उसके साथ के साथ मैं विनीत का फेस देखती थी कि विनीत कभी तो कह दे कि मैंने अच्छा किया। तो डायरेक्टर साहब परवेज भाई कभी बोल भी देते थे कि हाँ आज तुमने ठीक किया, विनीत ने कभी नहीं कहा। विनीत को मेरी एक्टिंग कभी उतनी पसंद नहीं आती कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो जो तुम नहीं कर रही हो। और मेरे अंदर में कभी इच्छा आती है कि शायद एक बार मौका मिले कि मैं पहले वाले रोल्स को अब अपना भी कुछ और इनपुट डाल कर दिखाऊं और तब शायद वो मेरी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत ऊंची है, मतलब मेरे निगाह में उनका बहुत ऊंचा एक्टिंग में स्थान था। और फिर जब मैं दिल्ली आई तो दिल्ली में आई तो मनोज वाजपेयी का तो जो एक्टिंग का जो तरीका देखा तो मैं तो चौंकी गई, बिल्कुल चौंक गई कि
कि ऐसे भी वो तो उसी कैरेक्टर में जीते, खाना पीना सोना उठना सब कुछ करते थे कि बिल्कुल ही। तो ये लोग थे अब जो आज के टाइम ये सारे बड़े बड़े स्टार्स बने हुए, क्योंकि इन सब में वो खास खूबियां थी। दिल्ली में और मनोज वाजपेयी के साथ साथ और दूसरे कुछ अभिनेता या अभिनेत्री? दिल्ली में मेरा जो नाटक था, मेरे नाटक में मेरे मेन तो मेरा रोल था, उसमें मेरे बेटे का रोल था जो निर्मल पांडे पहले कर रहे थे, जो बहुत फेमस हीरो हुए, बाद उनकी डेथ हुई तो वो तो बहुत ही फेमस हीरो हुए। तो वो भी बहुत ही मतलब सीरियस हीरो थे। उसका मेरे ख्याल से किसी को अंदाजा नहीं होगा क्योंकि किसी का उतना इंट्रैक्शन नहीं हुआ। 2 महीने तक हमारी उनके साथ रिहर्सल चलती थी और जो इम्प्रोवाइजेशन होते थे, कई सारे इम्प्रोवाइजेशन सिर्फ मेरे उसके होते थे, माँ बेटे थे बट बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन सिर्फ मेरे उसके कराते होते थे। तो बहुत ही अच्छे एक्टर थे। और बाद में गजराज, वो अचानक वो चले गए क्योंकि उनको कोई फिल्म मिल गई थी। तो गजराज राव आए, गजराज ने 10 दिनों के अंदर ही उस कैरेक्टर को किया। अब तो बहुत फेमस हीरो हैं गजराज राव। तो वो भी बहुत बहुत ही अच्छे कि 10 दिनों में पूरा पिकअप करके कर दिया। और ज्योति डोगरा थी मेरे प्ले में, छोटा सा रोल उनका था, वो भी एक फिल्म में बाद में हीरोइन हुई, नागेश नाम है उनके किसी फिल्म में हीरोइन थी। तो वो उनको जो मैं देखती थी ना, मैं वैसे उतना नहीं कर सकती, वो भी बिल्कुल मनोज वाजपेयी की तरह उसी रोल में ही रहती थी। जब शो होते थे, जिस दिन शो होते थे उस दिन वो मिलती नहीं थी, उनको ढूंढते रहो मिलती नहीं थी। वो फेस लपेट के और जो चेयर्स जो बने होते हैं ना हॉल में बैठने के, वो 2 लेयर के बीच में कहीं भी चुपचाप लेटती होती थी क्योंकि मूड में है बिल्कुल कि कोई डिस्टर्ब ना करो। तो ये सब ना जो जो काफी बड़े बड़े सब हीरो हीरोइंस हैं, तो ये किस तरीके से बिल्कुल एक्टिंग अपने कैरेक्टर में घुसते हैं वो देखा। इसके अलावा हमारे मेन तो यही थे जो भी मुझे याद आ रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि इस प्रोसेस में दरअसल हम लोग एक और ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो शायद पटना रंगमंच के संदर्भ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पटना का वो रंगमंच जिसमें कि बहुत एनर्जी थी, बहुत वाइब्रेंट था, बहुत बड़ा समूह, और समूह बहुत मिल के काम करता था। थिएटर रिहर्सल कट की डिसिप्लिन, या स्टेज मैनेजमेंट के डिसिप्लिन, या बैक स्टेज के डिसिप्लिन, इवन की मतलब फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसिस की वजह से मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइसेस मतलब भूखे रह के भी रिहर्सल करना, इतना ही नहीं 8 आना, 100, 1 रुपया, 2 रुपया का चंदा कलेक्ट करना, टिकट बेचना, वो सब बात अलग है। लेकिन थिएटर एज सच, थिएटर अपने एक कलात्मक, एक रचनात्मक प्रस्तुति के तौर पर आपको ये सौभाग्य मिला कि पटना का थिएटर जो कि अमेचर था, सब कुछ के बावजूद एक अमेचर थिएटर था, जिस अमेचर थिएटर में ट्रेनिंग का मतलब था वो गुरुकुलीय ट्रेनिंग प्रोसेस। गुरुकुलीय से मेरा मतलब है, अब सतीश जी ने कहीं सीखा होगा, सतीश जी से मतलब देख करके और उससे उसको आगे फर्दर डेवलप किया परवेज अख्तर ने, परवेज अख्तर को ने जावेद अख्तर, विनीत कुमार, रश्मि सिन्हा, श्रीकांत किशोर, बहुत सारे लोगों को बताया सिखाया। और दरअसल ये प्रोसेस इस प्रक्रिया में, और दूसरी तरफ दिल्ली का थिएटर का मतलब था, जैसा आपने खुद कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के के छाया में, उसके उस बरगद के पेड़ के नीचे ये थिएटर ग्रुप खड़ा हो रहा। तो यहाँ मतलब, यहाँ ट्रेनिंग का मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ, तो एक्टिंग में प्रोफेशनल थिएटर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है आपकी नजर में? देखिए मुझे तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली नहीं, मैं तो बस गुरुकुल की ही एक अच्छी छात्र रही, जो जो टीचर बोलते थे उस तरह से करते हुए किया। और बट यहाँ पे जब आई तो मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने दिल्ली में आकर के जिस तरीके से नाटक का, यहाँ का जो तरीका है, यहाँ पे जो मैंने एक तो एक्ट वन में किया, फिर अभी 2016 से शुरू किया तो आसिफ अली हैदर के साथ शुरू किया। तो इनके इनकी पूरी टीम ही एनएसटी की थी, बाहर से सिर्फ मैं और सोनल थे। पूरी टीम मतलब राइटर, डायरेक्टर, फोटो जो के लाइट मैन है, सब कुछ एनएसटी के। इवन जो मतलब जो एक्स्ट्रास भी हैं, जो हॉस्पिटल का सीन है उसमें एक्स्ट्रास बैठे, वो सारे एनएसटी के। और वहां पे जब मैं गई तो सीधे बोल दिया गया कि भाई ऑल ऑफ यू आर ट्रेंड, तो इससे हम कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद अपना कैरेक्टर बनाओ। और मैं डर गई कि मैं तो 20-25 साल के गैप के बाद जा रही हूँ और ये तो बिल्कुल छोड़ दिया है। तो
तो चलो अपने आप को किसी तरह संभाल के फिर मैंने अपना कैरेक्टर जो भी था उसको करना शुरू किया, ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद उनमें फीडबैक मिलती थी आसिफ की भी, थोड़ा सा इसको चेंज करो, लेकिन बेसिक अपना पूरा किया। तो इससे मैं एक बात भी आपको कहूंगी कि कभी ऐसा भी हो जा सकता है कि डायरेक्टर ने जिस तरीके की जो पूरी पेंटिंग बनाई है मेरे प्ले ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर प्री कंसीव नोशन में कोई एक कैरेक्टर को ले चल के चलते, उसमें अगर ये ट्रेंड लोग आए और उसको ब्रेक करें तो बड़ा फायदा होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, जैसे सौदागर का ही मैं एग्जांपल दूंगी, सौदागर नाटक का ही एग्जांपल दूंगी। सौदागर नाटक में हम सबको डायरेक्टर ने कहा कि आप खुद से अपने कैरेक्टर बनाओ, जैसे कि हमको उसमें कहा, आसिफ अली ने अपने प्ले में कहा था, तो उसमें तो सारे एनएसडी के पास आउट थे, लेकिन जो हमने सौदागर किया इसमें कोई एनएसडीएन नहीं थे। लेकिन एक चीज होता है कि जो दिल्ली में आता है बाहर से नाटक करने या फिल्म में करियर बनाएंगे, तो वो फिर बहुत ज्यादा कच्चा नहीं होता, वो बहुत अच्छे एक्टर्स हो वही फिर यहाँ पे पहुंचते हैं। तो अब सौदागर ने, तो मैं ये कहती हूँ कि प्री कंसीव नोशन में कई बार हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा ही रहेगा। अब सौदागर भी एक कैरेक्टर है कुली, मैं इसका नाम लेना भूल गई, जो बहुत प्रभावित हुई मैं कुली कुली का जिसने किया, इसका नाम मैं लेना भूल गई थी, चंदन नाम है वो। अब जनरली जो कुली, जो अगर मैं डायरेक्शन दे रही होती तो जनरल जो है कि कुली है बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब, की पीठ पे बोझ लेके घर आया, गालियां भी खा रहा है, लात जूता सब खा रहा है, लेकिन इतना इतना गरीब है और उसको पैसे की इतनी कमी है कि सब बर्दाश्त करके बिना पानी के बिना खाना के ढोता जा रहा है और अंत में मारा भी जाता है। तो ये जो प्री कंसीव नोशन आता है एक दुखी इंसान का आता है, दुखी इंसान जो हंस भी रहा है तो दुख से हंस रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चंदन आया है, चंदन ने तो उस पूरे कैरेक्टर का कायापलट ही कर दिया, इतना खुश कुली, वो कुली के हर डायलॉग वो खुशी से बोल रहा है जिसमें दुख झलक रहा है, वो इतनी खुशी से बोलता था कि उतनी खुशी ऑडियंस को दुख में डाल देती थी। तो ये है कि अगर ट्रेंड कैरेक्टर, ट्रेंड एक्टर्स अगर हो जाते हैं, तो कई बार डायरेक्टर अगर बहुत 50 अगर 20 कैरेक्टर्स हैं तो उतना हर कैरेक्टर का नहीं सोच पाता है, कई साल मेन पे सोचा, बाकियों के आप एक एक अपना, ठीक है ये ऐसा होगा वैसा होगा, उसको ब्रेक कर दे सकते हैं, तो इसमें ये काम आता है। हालांकि मेरे में मैंने नहीं वो ट्रेनिंग लिया, लेकिन ये कुछ लोगों के एक्सपीरियंस के साथ बहुत। नहीं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बात कह दी। आपने जो जो विद इन द लाइंस जो छोड़ा है वो मैं कह देता हूँ कि अमेचर थिएटर की वही लिमिटेशन है जो उसके डायरेक्टर की लिमिटेशन है। अमेचर थिएटर बेसिकली डायरेक्टर ओरिएंटेड थिएटर ही होता है, या तो डायरेक्टर ओरिएंटेड थिएटर होता है, तब वो थोड़ा सुगठित सुव्यवस्थित थिएटर होता है, और अदरवाइज वो मेला होता है, मेला की तरह होता है। मतलब अगर डायरेक्टर भी उसी तरह का हुआ तो वैसी हालत में मतलब उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होती है, कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है। लेकिन अमेचर थिएटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन, बाकी सब छोड़ दें, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो डायरेक्टर्स थिएटर है, जबकि थिएटर को एक्टर्स प्लेस होना चाहिए। एक्टर को, थिएटर को दरअसल मतलब थिएटर का मालिक तो एक्टर एक्ट्रेसेस को होना चाहिए, जो कि शायद आपने बहुत सही कहा, जब एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ जब एक्टर आता है तब उसका इंटरेक्शन जेन्युइनली लाइव इंटरेक्शन होता है स्टेज पर, जेन्युइनली लाइव इंटरेक्शन। मतलब ये एक तरह की जुगलबंदी है। इस जुगलबंदी में तबला वादक अगर कोई नई चीज करके दिखाएगा तो वोकलिस्ट जो है उसको रिपीट करेगा, और जब वोकलिस्ट कुछ करेगा तो उसका तबला वादक, मतलब कि एकदम क्रिया प्रतिक्रिया और लाइव, उसका जो स्वाद उसका जो मजा है जो कि हाँ जो कि प्रोफेशनल थिएटर दे सकता है। तो आप मानती हैं कि 80 का दशक का जो पटना का थिएटर है उससे आगे अगर जाना है तो बिहार में इस तरह का थिएटर की ट्रेनिंग का कोई स्कूल होना चाहिए? अगर थिएटर ट्रेनिंग स्कूल होगा तो उसमें सीरियस थिएटर करने वाले निकलेंगे। अभी मुझे अंदाजा नहीं है बिहार में क्या है सीन, मैंने हालांकि पिछले साल कुछ समय जाके मैंने किया, तो
तो जो 80 के दशक में जो सीरियसनेस थी थिएटर के लिए, वो मुझे मिसिंग दिखी। लोग फिल्मों की तरफ भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा प्ले किया, 20 दिनों 1 महीने में फटाफट शो करो और उसके द्वारा कहीं एक फिल्म मिल गई, उधर निकल जाओ। तो उस वो थिएटर को लेके सीरियसनेस ही खत्म है। तो अगर बिल्कुल जो अगर कोई अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग का अगर वहां स्कोप हो, थिएटर ट्रेनिंग का, फिल्म की शूटिंग के नहीं, प्रोफेशनल थिएटर का, तो डेफिनेटली फिर वो थिएटर की ट्रेनिंग लेके निकल रहे, तो थिएटर के लिए सीरियसनेस रहेगी और फिर वहां ये सारी चीजें फिर आएंगी। दूसरी बात जो कि आपने कही थी, मैं उसको फिर से ला रहा हूं चर्चा में, उस वक्त उस पर चर्चा हुई नहीं, जो एक मतलब नॉन सीरियस थिएटर की वजह आपने कही कि किसी न किसी तरह का कोई एक स्पॉन्सरशिप या मतलब गवर्नमेंट से कुछ फंड मिल जाता है तो फंड के लिए थिएटर करते हैं। हालांकि इस बात को हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो ईमानदारी और बेईमानी का जो फर्क है वो रहेगा, और कुछ लोग बेईमान भी रहेंगे। हालांकि सभी लोग बेईमान नहीं होंगे और सभी लोग ईमानदार नहीं हो सकते, लेकिन वाट एवर काइंड ऑफ डोनेशंस या फंडिंग सरकार की तरफ से है, जो कि अपने आप में बहुत कम है, बहुत ही कम है, एकदम इनएडिक्वेट है, और वो अभी तक बस इतना ही भरे कि शायद वो किसी डायरेक्टर का पेट पालता है, वो एक्टर्स का तो डेफिनेटली पेट नहीं पालता। तो क्या ऑप्शन है थिएटर को अगर पनपना है, थिएटर को अगर खड़ा होना है 21st सेंचुरी में, अगर थिएटर को अरे ना, ये स्पॉन्सरशिप आना चाहिए या मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कुछ होना चाहिए? देखिए, थिएटर एक टाइम था जबकि एंटरटेनमेंट के फिल्मों के अलावा कोई और साधन नहीं था, थिएटर ही होता था। गांव में लोग नाच गाना करके अपना शाम में बैठ के कीर्तन ही करके अपना एंटरटेनमेंट कर लेते थे, या शहरों में धीरे धीरे थिएटर का हुआ शुरुआत। अब देखिए, अब इतने सारे और ऑप्शंस आ चुके हैं एंटरटेनमेंट के। जैसे हमें पता ही है, टेलीविजन तो आया ही है, अब ओटीटी, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि इसके साथ अब थिएटर में तो यही हो गया कि लोग आते हैं, कुछ कुछ इसमें आके एक तरह से समझिए कि प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें आपने अपना प्रैक्टिस किया तो आप ओटीटी फोरम पे जाओगे फटाफट, आप बिना ज्यादा रीते के आप डायलॉग्स बोल लोगे। तो ये बेसिक यही हो गया। मैंने भी एक फिल्म किया और एक सीरियल किया, तो इसमें ही होता है कि चूंकि मेरे को थिएटर का प्रैक्टिस है, तो मैं वहां जाकर के बिना ज्यादा रीटेक के फटाफट मेरे डायलॉग्स हो जाते हैं। तो यही लेवल अभी रह गया है। अब थिएटर को अगर सीरियस वे में लेके चलना है, तो इसको तो फिर प्रोफेशन की तरह जब तक नहीं लोग लेंगे, तब तक वो सीरियस नहीं होगा। जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस भी अभी तो जो थिएटर सिर्फ कर रहे हैं, तो उनको कोई और तरीका ढूंढना होता है जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके, घर चल सके, क्योंकि थिएटर में पैसे नहीं होते हैं। दिल्ली का तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली में तो हॉल ही बुक करना इतना एक्सपेंसिव है, एक एक दिन के, मतलब तो एक दिन के 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, इस तरह से एक एक शोज के उसकी जो बुकिंग अमाउंट इतनी ज्यादा है। तो कितना भी टिकट आप बेच करके, एक दिन में आप इतना नहीं आप कर सकते हो, इतना अर्न नहीं कर सकते हो। तो इस ये वजह है कि जो भी एक्टर्स, उन्हें पता है कि हमें पैसे तो नहीं मिलेंगे, हम इसे या तो शौक के लिए करें या फिर आगे कोई और पैसा जो हमें दे सके उस प्रोफेशन में जाने के लिए, जो कि एक्टिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन जो बाकी फॉर्म। तो अगर थिएटर को अगर हमको उस तरीके से रिवाइव करना, तो इसमें लोग सर्वाइव करें और अच्छे से करें ये सोचना होगा, जिसमें कि एक्टर्स को भी सैलरी मिले। जैसे बहुत पहले होता था कि श्रीराम सेंटर बनाते थे ग्रुप, जिसमें कुछ लोग आके रहते थे, उन्हें सैलरी मिलती थी। तो इस तरीके से पूरा ग्रुप बना करके चलना, जिसमें फंडिंग भी प्रॉपर हो, स्पॉन्सरशिप भी मिले। अब जैसे आपको है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे है ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप कुछ कर रहे हो, कुछ फंड दे रहे हो, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ फंडिंग हो जाए। अभी मेरे को दिमाग में आ रहा है कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि ठीक है, आप 1% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे रहे, 0.1% आप कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फंडिंग करो, तो फंड आएगा जब तभी जब तक आर्टिस्ट के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तब तक सीरियसनेस नहीं होगी। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बीच में मेरा इरादा था कि थोड़ा कुछ ऐसा सीरियस टॉक जो कि थिएटर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि
कई बार बहुत सारे लोग मान कर चलते हैं कि थिएटर अपने आप में एक 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 मरता हुआ का आर्ट है, एक डाइंग आर्ट है, जो कि डेफिनेटली ये नहीं है, लेकिन हाँ अब कैसे होगा, हाँ कैसे होगा आप ये हम लोग देखेंगे, फ्यूचर हम लोग को देखना है। हमारे जो हमारा जो यंगर जनरेशन है ज्यादा कुछ उनके हाथों में है। मैं फिर से वापस आप पर आना चाहता हूँ और वही 80 के दशक के पटना थिएटर पे। मैं दरअसल इस बातचीत के बिल्कुल अंतिम दौर में हूँ, अंतिम चंद सवाल जो कि बहुत हल्के फुल्के मिजाज के सवाल हैं। दरअसल वैसे अनुभव जो कि थिएटर का जो एक मजा है, थिएटर केवल दर्शकों को मजा देता है ऐसा तो है नहीं। थिएटर दर्शकों को जितना मजा देता है उससे 100 गुना ज्यादा मजा थिएटर परफॉर्मर्स को देता है। एज ए परफॉर्मर आप इस बात को जानती हैं, मैं भी एज ए परफॉर्मर इस बात को जानता हूँ। तो वो आपके जो सबसे प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस थे ऑन स्टेज ऑफ स्टेज। अब जैसे मुझे पहले मैं आपको उकसाने के लिए एक बात याद दिलाऊं, शायद हम दोनों ने मिलकर के सबसे ज्यादा शोज सदगति के किए हैं। हाँ, सदगति का वो रोल जिस उस कैरेक्टर से मुझे शायद सबसे ज्यादा नफरत है और उस पंडिताइन से आपको भी नफरत होगी लेकिन उस रोल को हम लोगों ने इतना किया है और कई बार बच्चे मतलब पहचान जाने के बाद मुझसे डरते थे कि दूर हो जाते थे कि ये वही वाला पंडित है। तो यहाँ तक कि इश्तियाक उस समय बच्चा था और वो नजदीक आकर के साथ बैठकर बातचीत करने में परहेज करता था कि ये तो विलेन आदमी है, बुरा आदमी है। तो उसमें मुझे याद आता है कि हर बार स्टेज पर जाने से नाटक शुरू होने की तीसरी घंटी से पहले याद है आपको लालटेन उस तरह की घटना मुझे अभी अभी दो घटना याद आ रही है। एक तो आ रही है स्पार्टकस की याद आ रही है। पहले तो लालटेन वाली बात आप पूरी कर दीजिए। लालटेन लगता है आप भूल गई हैं। लालटेन वाला तो वो मुझसे जलता ही नहीं था जलता ही नहीं था और बिना बिना जले हुए ही मैं इसे पकड़ करके लेके चले आप, आपका आपकी मेरी लास्ट डिमांड मेरे से ये होती थी कि लालटेन तुम चलाओगे। हाँ। और वो एक जरा सा 30 सेकंड का पॉज होता है। हाँ। इस पॉज के बाद हम लोगों को जस्ट मतलब विंग्स भी नहीं है, वो तो वो स्टेज के ऊपर में ही है, एक हम लोग फ्लैट के पीछे में खड़े रहते थे और वहां पे वो लालटेन जलाना होता था। अच्छा, लालटेन जलाना ना आपको आता था और सच्चे अर्थों में मुझे भी नहीं आता था। मेरा एक एडवांटेज था कि मैं माचिस जला सकता था, दिया सलाई जलाना मुझे आता था, सिगरेट पीने लगा था। तो इस वजह से जब लालटेन जल जाता था तो जान में जान आती थी। बिल्कुल, हर बार वही होता। और मैं तो माचिस भी नहीं जल पाती थी, दो बार छक 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 कर रही हूं तो फिर माचिस तो हर बार मैं ही जलाता था लालटेन हर बार। तो फिर मैंने कहा था कि तुम जलो, कम माचिस तो जल जा रही है ना एक बार सही है तो इस तरह अब स्पार्टकस वाली बात। दो घटनाएं, पहले मैं बात करूंगी किसी एक फूल का नाम लो का। उसमें एक बड़ी मजेदार घटना हुई थी। उन दिनों जो शोज होते थे, 1978 की बात मैं बता रही हूँ, तो कई बार इप्टा के भी शोज में होते थे और कम से कम सतीश आनंद के शोज में तो जनरली होता था कि कोई एक चीफ गेस्ट आते थे, चीफ गेस्ट आते थे बैठे फिर शो शुरू होता था। और उसमें है कि हीरो है वो हीरो को गोली मारती है, हीरो ऑडियंस में मतलब हीरो नहीं कोई एक आदमी है ऑडियंस में बैठा हुआ है, शेखर खोसला नाम है उसका। और हीरोइन पूरे मतलब ऐसा उसमें है ना कि स्टेज पे कोई एक नाटक चल रहा है और नाटक चलने में अचानक हीरोइन वो नाटक से बाहर आकर के और गोली अब एक गन है हाथ में हीरोइन के, उसमें हीरोइन ने एक्चुअल में गोलियां भर रखी है जो कि ऑडियंस जो कि बाकी नाटक वालों को नहीं पता है और ऑडियंस वो ठाए 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 करके गोली मार देती है और कोई एक आदमी ऑडियंस में मर जाता है। तो इसमें इतनी मजेदार घटना है कि एक हमारे शो में राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो थे चीफ गेस्ट। तो गवर्नर आके बैठे, उनके अगल बगल में उनके जो बॉडीगार्ड थे वो बैठे और उसके बाद जो लड़का मरता था, जम्मू नाम था, वो बैठ गया। और वो जो मरता था वो भी मतलब बहुत ही विशाल शरीर और बहुत मतलब लंबा चौड़ा पर्सन था बैठा। अब ये नाटक चल रहा है और 45 मिनट बाद उस आदमी की मर्डर होती है और सडनली द हीरोइन घूम
करके ठाए 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 मारा, शेखर खोसला शेखर खोसला। और ये जो जम्मू है वो पूरा उसको थोता था कि सामने गिरना है, तो वो सीधे जा करके ना राज्यपाल के सामने धड़ाम से गिरा और छटपटाना शुरू हुआ मरने के लिए। और फिर राज्यपाल के तो जितने भी जो थे सारे आ गए, सारे लोग खड़े हो गए कि ये क्या हो गया। तो फिर बाद में बोले कि नहीं नहीं ये नाटक का सीन है। और एक मुझे याद आता है स्पार्टकस में हमारे जो क्रासुस का रोल कर रहे थे उसमें कुछ ऐसा हो गया कि जो उनको रिस्पांस को एक्टर से चाहिए था वो नहीं मिला, और उसके बाद उन्हें बहुत गुस्सा दिखाना था। और कुछ जो सीन था कि वेरोनिया के साथ कुछ सीन है कि कुछ बोलती है चली जाती है और उनको बड़ा गुस्सा आता है, इसमें क्या बात हुई, क्या उनके इसमें गलती हो गई ये पता नहीं, लेकिन उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने हर उंगलियों में सोने और चांदी की अंगूठियां पहनाई गई थी, एक एक अंगूठी खींच खींच कर निकाल के स्टेज पे फेंक डाला। और जब शो खत्म हो गया तो सब लाइट जला के सारी अंगूठियों को ढूंढ रहे हैं। ये बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो बातें बहुत हैं, बहुत सारी बातें करने की हैं, और एक एक सिटिंग में मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है कि सारी बातें की जाएं। दूसरी बात ये भी है कि दर्शकों के या श्रोताओं के धैर्य की भी एक सीमा होती है जो एक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए एक बार फिर से मैं शहर के इस प्लेटफॉर्म के आयोजकों को धन्यवाद करूंगा, और मृत्युंजय को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि मृत्युंजय अपने तौर पर कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। जी, जो ऑडियंस रिएक्शंस हैं उनमें रिमार्क्स ज्यादा हैं, आपको नमस्कार प्रणाम कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग आपको जो है आदाब बोल रहे हैं। एक आध ही सवाल है, मैं कुछ रिएक्शंस बता देता हूँ। विनीत कुमार लिख रहे हैं, शुरू से ही हूँ, नमस्कार अभी भेज रहा हूँ, मतलब वो शुरू से बने हुए थे। अच्छा। और उन्होंने आपकी बात सुनी होगी तो मेरे ख्याल से आपकी तारीफ भी जल्द आप तक पहुंच जाएगी। कभी एक बार बड़ाई कर दे। करता हूं। सुनील सिन्हा जी हैं, रश्मि दी और श्रीकांत भैया दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। नूतन तनवीर हैं, वो अच्छी चर्चा, बहुत सारी जानकारी पहली बार मिली। सुनील सिन्हा ने किसी में बोला है कि वापसी नाटक था, किसी नाटक की चर्चा में वो नाटक का नाम बता रहे थे, वो निवेदिता का मुख्य किरदार वाला नाटक है, नाटक वापसी, मैं और निवेदिता थे उसमें। जी जी, जावेद साहब भी थे, नमस्कार भेज रहे हैं आपको। सोनल झा आप दोनों को नमस्कार बोल रही है, प्रणाम बोल रही है। और मोना झा है वो भी आप लोग प्रणाम बोल रही है। एक सवाल है रश्मि जी से, रामकृष्णन लक्ष्मण है, उनका एक सवाल है कि उन्होंने आपका जो अभी रिसेंट कोई नाटक किया था उसमें गैंगस्टर का रोल आपने किया था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। अब वो आपसे सवाल करें कि आपका अपना पसंदीदा रोल कौन सा है सबसे अच्छा जो आपने निभाया। देखिए, माधवी जो नाटक था वो बहुत अच्छा, बहुत दिल के करीब है। माधवी मैंने 1986 में किया था। माधवी में कौन सी भूमिका करती थी आप? माधवी मेन माधवी का ही मेरा रोल था, मेन माधवी कैरेक्टर पे था। भीष्म साहनी का नाटक था, दो ढाई घंटे। गालब कौन बनते थे? जावेद साहब, जावेद अख्तर खान गालब बनते थे। तो मेन रोल मेरा ही था, माधवी, मैंने माधवी का किया था। तो वो रोल है जो बहुत ही दिल के करीब है। और जो सबसे डिफिकल्ट रोल मुझे लगा करने में वो था सौदागर। और मैं तो बताऊं, मुझे लग रहा था कि ऑडियंस चीखेगी चिल्लाएगी, मर्द का रोल और इतने क्रूएल मर्द का। जब वो पर्दा गिरा तो मैं बताऊं मेरी आंखों में आंसू थे, हालांकि बड़ा क्रूएल रोल था लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया मुझे। योगेश जी आप दोनों को प्रणाम बोल रहे हैं। योगेश पांडे जी आप दोनों को प्रणाम कर रहे हैं, यहीं पे हैं, उपस्थित हैं वो मीटिंग में। तो सवाल तो ज्यादा नहीं है, तो अब विषय श्रीकांत भैया। हाँ मृत्युंजय, आपके जहन में और है या फिर इसको समापन की तरफ ले चलें?
नहीं, मैं अपने तौर पर तो इसको कंक्लूड कर चुका था। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो गंभीर चर्चा हमें 80 के दशक के थिएटर को लेकर करनी थी, हम लोगों ने कर ली है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक अभिनेत्री के रूप में रश्मि सिन्हा के व्यक्तित्व के जो अलग अलग पहलू हैं उनको भी छूने की कोशिश की है। एक बढ़िया सवाल जो कि बाद में पूछा गया कि रश्मि सिन्हा का पसंदीदा किरदार कौन है। बहुत सारे किरदार, बल्कि मृत्युंजय आपको चाहिए कि आप कुछ तस्वीरें दिखलाते तो ज्यादा मजा आता, वो भी अच्छा ही रहता। तस्वीरों वाला आइडिया इस बार हम लोग कर ही नहीं पाए। रश्मि जी को बोल शायद बोला था, उन्होंने बोलना भेजना भूल गई हाँ, अच्छा, या कुछ कलेक्ट नहीं कर पाए, तो वो कर नहीं पा रहे हम लोग। वो तो होता मुख्य तो रूप मजा से, आता सच हाँ, मुख्य रूप से जो अभिनेता जो जो भूमिकाएं हैं में। रश्मि दी की, जिनको मतलब हमेशा, हालांकि सभी, जैसा मैंने पहले कहा, सारे किरदार बहुत सफलतापूर्वक निभाए गए, नाटक छोटे हों या बड़े, क्योंकि बहुत सारे लघु नाटक हम लोग करते थे। तो सबसे बहुत पहले सारे अगर बड़े नाटक या फुल लेंथ पूर्णकालिक नाटक की अगर बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र था, पोस्टर था, माधवी का नाम हम लोगों ने लिया, स्पार्टकस, स्पार्टकस महाभोज, था, महाभोज। महाभोज था, ये सारे के सारे बड़े वाले रोल थे। और इन सभी में बहुत प्रोमिनेंट लेडी कैरेक्टर, जैसे महाभोज में दास साहब की पत्नी विनीतया दास साहब करते थे, और विनीतया एकदम सबसे वो नीचे वाले काले पर सा पे जो है सो डायलॉग्स बोलते थे, एकदम से बिना किसी इमोशन के डायलॉग बोलने का बड़ा लंबा बहुत सधा हुआ अभ्यास। और उनके साथ साथ एकदम लगभग उसी सुर में सुर मिलाकर दास साहब की पत्नी को चलना होता था, और वो उसको भी बहुत अच्छे से निभाया इन्होंने। सत्य हरिश्चंद्र में फिर अगेन विनीत सिन्हा एंड रश्मि सिन्हा। प्रिय, आज तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है, तो हरिश्चंद्र और शैव्या का जो, और छोटे नाटक बहुत सारे, जैसे माँ का रोल, छोटे मई दिवस, संगति के पंडिताइन, या वृक्ष की पत्नी, रिक्शा, हाँ, ईदगाह, ईद का, ईदगाह निजाम सक्का में सक्का की पत्नी, और बहुत सारे हैं, मतलब गिनती करना मुश्किल काम है। कुल मिलाकर के बहुत। मेरा ख्याल है कि कुल 25-26, हाँ, हाँ, पच्चीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस नाटक, हाँ, नाटक हैं। और इनमें बहुत से कुछ सारे कुछ नाटक ऐसे थे जो बहुत रिपीट हुए। अकेले सरपति सदगति की बात करें तो हम लोग लगता है कि स्कूल कॉलेज कहाँ नहीं खेला बहुत उसको, ज्यादा आगरा, हैदराबाद, सब बहुत जगह खेला गया वो। अच्छा, मुझे जहां तक जानकारी थी कि आपने नुक्कड़ नाटकों में भी काफी सारी काम मैंने, हाँ मैंने किया, औरत नुक्कड़ एक नाटक किया औरत, उसके बहुत शोज हुए, बहुत बहुत सारे। सैकड़ों। औरत का नाटक तो बहुत सारे, तो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में जा करके या जहाँ भी लेडीज का ग्रुप हो उन सब में जा करके, एक तो मतलब बड़े जो आयोजनों में तो जाते ही थे, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पे जा करके बहुत सारे शोज हुए इसके। इसमें एक आगरा इंटरेस्टिंग में बात मैंने किया। बताऊंगा, इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा औरत को लेकर के। औरत में मुख्य भूमिका, औरत की भूमिका रश्मि दी करती थी, और औरत का जो पति है, शराबी पति, वो भूमिका मैं करता था। और इसी बीच में मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी ने मेरा जो पहला रोल देखा है वो ये औरत का शराबी है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि पत्नी ने कभी नाटक में काम नहीं किया। तो पटना का शायद ही कोई महिला स्कूल या महिला कॉलेज होगा जिसमें औरत का प्रदर्शन नहीं हुआ, तो उनके बिल्कुल, कॉलेज में भी ये बहुत हुआ सारे था। शोर, हाँ, बहुत शोर। उस समय थोड़ा जो मतलब सोसाइटी वाली जो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा शुरू हुई जनरल लोगों का, कि भाई ठीक है स्टेज तक करना तो ठीक था, अब ये क्या आप तो गली नुक्कड़ में खड़े होकर के कहीं भी नाटक कर रही है, तो ये थोड़ा सा था। लेकिन चलिए, वो तो कोई भी चेंज होता है तो आवाजें उठती ही छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पे है कि आप स्टेज पे आपने अभिनय किया और नुक्कड़ नाटकों में भी अभिनय किया, वो तो एक अलग सवाल है कि सोसाइटी आपको कैसे देखती है स्टेज पे है। उतरने के बाद, या फिर जब सड़कों पे आप नाटक करते हैं तो। लेकिन अजय अभिनेता आपको क्या फर्क नजर आता है दोनों मीडियमों में? क्योंकि पटना में हम लोग जब नाटक करने आए थे तो मैक्सिमम लोग कहा करते थे, नुक्कड़ पे नाटक करोगे तो आवाज खुलेगी तुम्हारी,
आवाज खुलेगी, अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन कभी ये कहते नहीं सुना कि ये भी अपने आप में अच्छे अभिनय का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने जो नुक्कड़ नाटक किया था औरत, या फिर इसके पहले जुलूस हुआ था कला संगम में, बहुत तैयारी के साथ हुआ था। तो ये भी एक तरीके से जो स्टेज पे करते उसी तरह की पूरी तैयारी थी और हमने किया, लेकिन इसको स्टेज के बजाय नुक्कड़ पे। अब जो ये आवाज खुलना और ये सब वाली बातें, यानी तैयारी ज्यादा नहीं करते होंगे, एक सीधे कोई एक सामी समस्या है ओरिएंटेड, या कोई इश्यू ओरिएंटेड लेकर के आपने बनाया, किसी तरीके से थोड़ी तैयारी के बाद चलेगा, तो उसमें हुआ कि चलो कम से कम आवाज तो आपकी खुलेगी, क्योंकि ओपन में अगर आप धीरे बोलो तो आपके दो चार लोगों के आगे कोई सुन ही नहीं पाएगा। अदरवाइज अगर पूरी तैयारी से करें तो दोनों एक ही चीज है, जो आप स्टेज पे कर रहे हो वही आप नीचे में आके कर रहे हो पूरी तैयारी के साथ। मुझे ज्यादा अच्छा स्टेज पे एक्टिंग करना लगता है, क्योंकि वहां बिल्कुल एटमोसफेयर बन जाता है कि आप एक्ट कर रहे हो, वो पूरा समा बन जाता है। जो थी मैंने नुक्कड़ नाटक तो एक ही किया, बहुत साल हो गए, लेकिन मजा मुझे उन दिनों भी ज्यादा स्टेज पे आता था। अदरवाइज तो दोनों नाटक ही है, ऐसा नहीं है कि नुक्कड़ नाटक में कम ध्यान दिया जाए। और ये नुक्कड़ नाटक कहीं भी कर लिए, आपको ज्यादा ऑडियंस की जरूरत नहीं है, स्टेज में जब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे आपके ऑडियंस ही नहीं आएंगे। तो ये अदरवाइज नुक्कड़ नाटक पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए प्रिपरेशन में। जी। तो चलिए आज की बातचीत हम लोग इसी नोट पे खत्म करते हैं। काफी अच्छा रहा, काफी लाइव जिसको कहते हैं ना, एक लाइव बातचीत का नमूना था ये, जहाँ दो थैंक एक समान धर्मा लोग जो हैं, समान सोच यू। वाले, एक साथ काम करने वाले लोग जो हैं, बातचीत कर रहे थे। और हमें तो बहुत मजा आया, कई सारी नई चीजें जो हैं पटना रंगकर्म की निकल के आई सामने, और खासकर आपके जीवन में। मतलब मैं तो हमेशा मानता हूँ कि समाज में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी, चाहे नौकरी के अवसर हों, चाहे कला के संगठन हों, महिलाओं को ज्यादा ये परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो आपका जो संघर्ष रहा है रंगकर्म में, वो काफी बड़ा, काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। आपने बेहतरीन तरीके से उसका सामना भी किया और अपने आप को जीवंत बनाए रखा स्टेज के लिए, और अभी भी सक्रिय हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे भी लगातार नाटक करते रहें, बने रहें स्टेज के साथ। और श्रीकांत भैया, आपका बहुत बहुत आभार इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए कि आप जो है बातचीत करें रश्मिदी के साथ। तो आपने इसको स्वीकार करके हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ा ये किया है। मैं ये कहूं मृत्युंजय कि ये ऑफर दे करके आपने मेरे ऊपर उपकार और किया है। मैं आप दोनों से कहूंगी कि आप दोनों ने मुझे ये मौका दिया, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि 80s के टाइम की बातें, कितनी सारी चीजें बिल्कुल वो मतलब दब गई थी, धुंधली पड़ गई थी, वो सारी यादें ताजा हो गई और नहीं, सारे हमारी भी पुराने वही साथियों कोशिश थी की कि इस दौर की यादें। चीजों की मेमोरीज को जो है कम से कम कलेक्ट कर पाए जितना हो सकता है। चीजें जो है वो सोवेनियर में है, फोटोग्राफ्स में है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन मेमोरीज को हम रिकलेक्ट करें तो ज्यादा कर पाए। तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आदाब। और कोई गलती हमारी तरफ से हो, हमारी टीम की तरफ से हो, तो उसके लिए माफी। और आगे आपका प्यार और ये बरकरार रहेगा, इसकी गुजारिश। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।